गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी की बिल्कुल जो शुरुआत बात करें, अंग्रेजी यदि हमें स्टार्ट से पढ़ना है तो अंग्रेजी की हम बात करेंगे अल्फाबेट से। कोई भी लैंग्वेज जब स्टार्ट होती है तो वो लैंग्वेज स्टार्ट होती है वर्ण विचार से, है ना। तो हमारा ये जो संस्कृत की क्लास है आज की, ये भी स्टार्ट हो रही है, और ये स्टार्ट हो रही है कहाँ से, वर्ण से। वर्ण क्या है, भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, यहाँ से लेकर हम बहुत डिटेल स्टडी तक जाने वाले हैं। आ रहा है समझ में? यदि आप में से कोई ये कहता है मुझे तो सारे फोन ऐसे ही आते हैं कि मैम मुझे कुछ नहीं आता है, चाहे वो रीच के लिए हो तो भी मुझे कॉल ऐसे ही आएगा मैम मुझे कुछ नहीं आता है संस्कृत में, और सेकंड ग्रेड के लिए कॉल आएगा तो भी यही आएगा मैडम संस्कृत आपके भरोसे है, संस्कृत में मुझे कुछ नहीं आता है ना। तो अच्छी बात है, खाली घड़े को भरना सरल है, लेकिन जिस घड़े में 10 साल से आधा पानी भरा हुआ है उस घड़े को पहले तो साफ करना पड़ेगा क्योंकि वो पानी सड़ चुका है, फिर उसको साफ करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिर उसमें नया पानी भरेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल खाली ब्लैंक माइंड होकर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। खाली घड़े में पानी भरना सरल है ना, वैसा ही सरल है, आपको कुछ नहीं आता है तो मुझे पढ़ाना बहुत सरल है। मैं अंग्रेज को पढ़ा सकती हूँ, आप तो फिर भी इंडियन है, आ रहा है ना समझ में? मैं अंग्रेज को संस्कृत बोलना सिखा सकती हूँ, अंग्रेज को संस्कृत में प्रत्यय एक सेकंड में प्रत्यय छाटना सिखा सकती हूँ, आप इंडियन है ना, आपके लिए तो थोड़ा सा ये है कि आप हिंदी तो जानते हैं एटलीस्ट। चलो शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है तो भी सब कुछ आ जाएगा, है ना। देखो एक और अनाउंसमेंट है मेरा कि ये 3-4 डेज की जो हमारी निःशुल्क कक्षा है, इसके बाद हमारे जो सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलर सुपर सेकंड ग्रेड बैच में चले जाएंगे। कल मुझे किसी ने पूछा था सुपर सेकंड ग्रेड की फीस अलग है क्या, कोई फीस नहीं है, जो सेकंड ग्रेड यहाँ कर रहा है ना उन्हीं बच्चों को हम लोग कैरी करके ले जा रहे हैं सुपर सेकंड ग्रेड बैच में। इससे पहले आपको यहाँ का बेसिक संस्कृत ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, आ रहा है समझ में? बेसिक संस्कृत सेकंड ग्रेड जो है वो पढ़ना पड़ेगा, और जिन बच्चों का बेसिक संस्कृत सेकंड ग्रेड हो चुका है वे लोग सारे प्रमोट हो जाएंगे किसमें, सुपर सेकंड ग्रेड वाले बैच में। उस बैच में हम लोग 1 से लेकर 1.5 महीने तक की, मतलब 40-45-50 दिन जितने भी लगेंगे, मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट अपने आप को क्रीम बनाएंगे वहां जाकर, आ रहा है समझ में? वो अपनी बहुत अच्छी वाली प्रिपरेशन करेंगे ताकि कोई रैंक बने। बाकी कॉमन, इससे पहले सभी बच्चों को एक कॉमन बैच में बैठना पड़ेगा ताकि आप बेसिक व्याकरण अच्छे से सीख जाएं, और जिनका बेसिक व्याकरण होता चला जाएगा वो सारे के सारे उस बैच में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो व्यवस्था अपनी 3 से 4 दिन बाद होगी। शुरू करें अभी बेसिक संस्कृत व्याकरण से। चलिए अपना आज का विचार, आज का टॉपिक है वर्ण विचार, यानी कि वर्ण क्या है। बिल्कुल बेसिक से, वर्ण से पहले कुछ भी नहीं आएगा किसी भी भाषा में, है ना। चलिए टॉपिक का नाम है वर्ण विचार, कुछ भी लिखना ही नहीं है, सबसे पहले हम एक्टिव हो गए, लिख देते हैं चलो फटाफट से, लिखना ही नहीं है, पहले समझेंगे, बात करेंगे, एग्जाम में क्या आ चुका है, एग्जाम में क्या आएगा, ये सारी बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। और मेरी क्लास का तो एक ही रूल है, जब तक याद नहीं होता है तब तक हम लिखते नहीं है, कंटेंट याद करेंगे उसके बाद ही हम पेन चलाएंगे, ये बात याद रखना है ना। और जब मैं समझा रही हूँ तब आपको कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि समझाने वाला समय केवल समझाने का है, लिखने के लिए मैं अलग से समय दे रही हूँ। और समझाते समय किसी ने लिख कर फटाफट मैडम में फर्स्ट आ गया, आ रहा है ना समझ में? वहां फर्स्ट नहीं आना है, फर्स्ट तो अपने एग्जाम में आना है अपन को, लिखते समय ही लिखेंगे और समझाते समय केवल समझेंगे, है ना। आप यदि मेरे समझाते समय लिख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी लिख दो ये करके, तो आप समझ नहीं पाएंगे और वो सबसे बड़ा लॉस है आपका, ठीक है। खूब टाइम है अपने पास, क्लासरूम लर्निंग है, जितनी चीजें आज यहाँ पढ़ेंगे वो रट कर घर जाओगे, मेरा प्रॉमिस है, एवरीडे का जितनी चीजें यहाँ पढ़ेंगे वो रटी हुई होगी, देन वी विल गो टू होम, आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं कि घर जाके अलग से 4-5 किताबें लेके नोट्स बनाना पड़ रहा है, कुछ मॉडल टेस्ट पेपर देखने पड़ रहे हैं, ये कोई हेडेक नहीं है। जो टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे यही टेस्ट लेंगे, ए पेपर टेस्ट अलग चलेंगे, एग्जाम पैटर्न टेस्ट यूट्यूब पे अलग चलेंगे अभी, है ना। बहुत प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। यहाँ फीस देने के बाद मार्केट में 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं कि मैं ये ऐप ले लूं, यहाँ से टेस्ट सीरीज ले लूं, मार्केट से मॉडल टेस्ट पेपर ले लूं, या किसी का नोट जेरोक्स करवा दूं, ये सब चीजें आपको करनी ही नहीं है।
यहाँ पर आप मेरे पास 3-4 महीने जो पढ़ रहे हो ना, इसके बाद इतने पारंगत हो जाओगे कि आपको खुद को लगेगा कि ये सब कचरा है, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरा अपना नोट्स ही सर्वे सर्वा है। और मेरा प्रॉमिस है, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, हमारे जो 4-5 रजिस्टर रीट में बनेंगे, 2 रजिस्टर, और सेकंड ग्रेड में बनेंगे कम से कम 5 रजिस्टर, उस 5 रजिस्टर के बाहर संस्कृत की दुनिया खत्म है। आ रहा है समझ में? उसके बाहर कोई मॉडल टेस्ट पेपर नहीं, कोई नोट्स नहीं, कोई एप नहीं, उसके बाहर कुछ भी नहीं लगेगा। शुरू करें? चलिए, आप इसलिए इतना बोल रही हूँ ताकि आप ये ना पूछें, मुझसे ये ना पूछने आए मैडम इसके साथ कौन सी बुक लूँ। कोई बुक नहीं लेनी है, सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। जितना स्टडी मटेरियल देना है मुझे, जेरोक्स मैं दूंगी आपको, है ना। मार्केट से कोई बुक परचेज नहीं करें आप लोग। स्टार्ट करें, टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। कई बार हमसे पूछा जाता है वर्णानाम का संज्ञा। देखो, छोटे छोटे कंटेंट पे बात करूंगी। कई बार का संज्ञा, कह संज्ञा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के पीछे ऐसा लिखा होगा का संज्ञा। अपन सोचते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी पूछे, वर्णानाम का संज्ञा, स्वरस्य का संज्ञा, कुछ भी, क्वेश्चन के लास्ट में होगा का संज्ञा। और का संज्ञा सोच के हमसे, हम ये सोचते हैं कि इसकी संज्ञा कौन है, हमने तो इसकी संज्ञा पढ़ी नहीं। डरने की बात नहीं है, जब भी पूछे का संज्ञा, अपन को इसका दूसरा नाम पूछ रहा है। आ रहा है समझ में? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, उसी को पूछेगा क्या, का संज्ञा। का संज्ञा नहीं पूछेगा वो, तो वो पूछेगा अपर नाम किम। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे वो भी सिखा दूंगी मैं। अपर नाम किम, हम ये समझेंगे अपर नाम यानी ये, अपर नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं, अपर नाम यानी भी वही कौन, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछ रहा है दूसरा नाम क्या है, ये दोनों मिलकर क्या कहेंगे, इसे और क्या कहते हैं। आ रहा है समझ में? स्वरस्य का संज्ञा, वर्णस्य का संज्ञा, वर्णा नाम, अपर नाम किम, कुछ भी, का संज्ञा या अपर नाम किम, ऐसा कोई शब्द होगा तो आपको देखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है ना। कंफर्म लिख दीजिएगा, छोटा छोटा कंटेंट, बहुत छोटी छोटी चीजें यहां बताऊंगी, उंगली पकड़ के चलाऊंगी मैं आपको। आज आप मेरे पास आ गए हैं ना, तो उंगली पकड़ के चलेंगे जब तक अपना बैच खत्म नहीं हो जाता। अपर नाम किम, का संज्ञा, द्वितीय नाम किम, ये सारे वही है, दूसरा नाम क्या है ना। तो बाई देवी हमसे पूछे वर्णा नाम, अपर नाम किम, वर्णों का अन्य नाम क्या है, कोई है आंसर अपने पास? वर्णा नाम, अपर नाम किम, जिसको अपन वर्ण कहते हैं उसका अन्य नाम क्या है, बोलो। यहाँ क्लास में बोलना पड़ेगा, भाषा है, बिना बोले तो कुछ भी नहीं होगा। वर्णा नाम, अपर नाम किम, नहीं, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक, वर्ण से भी पहले चले जाते हैं, वर्ण भी यदि हमें नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं। वर्ण से पहले किसी ऋषि के माइंड में थॉट आया होगा कि संस्कृत क्या है, वहां चले जाते हैं ना, कोई बात नहीं। ये लिख दीजिए प्लीज, अपर नाम किम, कोई कॉपी नहीं बिगड़नी, ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो। पहले ही अपर नाम किम कैसे लिखे हम लोग, हम तो सोच रहे थे टाइटल से शुरू करेंगे, है ना, जो लिखवाया वो लिख दो, हर चीज एग्जाम से रिलेटेड है। अपर नाम किम का संज्ञा बराबर क्वेश्चन मार्क, अपर नाम किम क्वेश्चन मार्क, का संज्ञा क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का क्या मतलब है, किसी भी प्रश्न के पीछे आएगा, एंडिंग वर्ड्स है ये, अपर नाम किम या का संज्ञा, ऐसा लास्ट में देगा वो। इसका हिंदी लिख दो, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, किसी भी विषय वस्तु का जब दूसरा नाम पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो हमसे पूछेगा अपर नाम किम या फिर का संज्ञा, हो जाएगा। चलिए देखो, सबसे पहले अपन यदि बात करें हिंदी की, हिंदी सीखने बैठे हैं आज पहली बार, तो आ ई सीखना पड़ेगा, तभी तो अ से अनार, आ से आम बना पाएंगे हम लोग। ABCD आएगी तभी तो ए फॉर एप्पल बना पाएंगे। तो आज संस्कृत पहली बार पढ़ने बैठे हैं, तो संस्कृत में भी हम बात करेंगे किसकी, वर्ण की, ठीक है। क्या है वर्ण, लिखना नहीं आपको, है ना, क्या है वर्ण, देखो वर्ण यानी कोई भी एक अक्षर। आ रहा है समझ में? वर्ण यानी क्या, कोई भी एक अक्षर, ये अक्षर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, सही बात है। वर्ण यानी कौन, कोई भी एक अक्षर, ठीक है।
अब देखो ये जो अक्षर है या ये जो वर्ण है इसके कितने भेद हो सकते हैं? दो। एक का नाम है अपना कौन? स्वर। दूसरा का नाम है क्या? व्यंजन। एक और चीज भी है जो स्वर भी नहीं है व्यंजन भी नहीं है लेकिन भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, जो स्वर भी नहीं है जो व्यंजन भी नहीं है लेकिन वर्ण है और भाषा में बहुत इंपॉर्टेंस है संस्कृत भाषा में, वो चीज क्या है? बोलो फटाफट से। जो स्वर भी नहीं है व्यंजन भी नहीं लेकिन वर्ण है और उसका संस्कृत भाषा में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या चीज है वो? बता दें आप लोग फटाफट से बोलो बच्चों, आपको आता है तो बोल दो और नहीं आता है तो फिर मैं फटाफट से बता दूंगी। आता है तो बोलो क्या चीज है वो? विसर्ग। देखो विसर्ग आपने उसका एक हिस्सा बोला है, आपने बेटा बोला मुझे पिताजी का नाम चाहिए, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से। कोई वर्ण है, वर्ण यानी कि कौन, कोई भी एक अक्षर, वो अक्षर क्या क्या हो सकता है? वो अक्षर स्वर भी हो सकता है, वो अक्षर व्यंजन भी हो सकता है और वो कौन हो सकता है? अयोग वाह भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, लिखना नहीं है। किसी भी अक्षर को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। अयोग वाह वे वर्ण हैं जो कि लिखे तो नहीं जाते, मतलब बोले तो नहीं जाते, ना वो स्वर में आएंगे ना व्यंजन में आएंगे लेकिन भाषा में प्रयुक्त तो होते हैं। जैसे कि विसर्ग, विसर्ग को आप स्वर कहेंगे या व्यंजन? फटाफट से बोलो, विसर्ग को अपन स्वर कहेंगे या व्यंजन? कुछ भी नहीं कहेंगे। विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, तभी तो किसमें गया? आया समझ में? तो भाषा में इंपॉर्टेंस है क्या विसर्ग की? संस्कृत भाषा में क्या विसर्ग की इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। रामा पढ़ती की जगह राम पढ़ती कह दिया तो सेंटेंस ही गलत हो गया। आ रहा है ना समझ में? ऐसे चिन्ह या ऐसे वर्ण जो कि ना तो स्वर है ना व्यंजन है किंतु भाषा में बहुत इंपॉर्टेंस है जिनकी, उनको कहा जाता है कौन? अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन आएगा? विसर्ग आएगा, किसी अक्षर के ऊपर लिखा हुआ अनुस्वार आएगा, फिर आएगा आपका कौन? विसर्ग है, अनुस्वार है, फिर आपका कौन है? अर्ध विसर्ग है ना। ये सब मैं बताती हूँ, बेसिक में जाएंगे अपन अभी। अर्ध विसर्ग के भी पुनः दो भाग हैं और एक आएगा यम। ये चार प्रकार के होते हैं कौन? अयोगवाह। आराम से सीखो, पहली बार ही हमारी लाइफ में आया अयोगवाह क्या चीज है, इतना सा याद कर लो भी कि ना तो स्वर है ना व्यंजन है किंतु भाषा में इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इसके बिना संस्कृत भाषा चलती ही नहीं है। उन सारे चिन्हों को कहेंगे अपन कौन? अयोगवाह। अभी इतना ही बहुत है। आया समझ में? कोई भी वर्ण है, वर्ण को क्या कहेंगे हम? अक्षर। कितने भेद है वर्ण के? तीन। कौन कौन से? अयोगवाह कौन है? विसर्ग, अनुस्वार, अर्ध विसर्ग, यम। याद कर लो, विसर्ग, अनुस्वार। निम्नांकित में से कौन अयोगवाह नहीं है? ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, अधोलिखितेषु अयोगवाह नास्ति। निम्नांकित में से कौन एक अयोगवाह नहीं है? तो हम कौन है वो याद कर ले फास्टली, बोलिए फास्टली। विसर्ग, अनुस्वार, अर्ध विसर्ग और यम। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक में जाते हैं, वर्ण क्या है लिखना शुरू करें। लिखें फास्टली क्या है वर्ण। भाषा की वह लघुतम इकाई, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है, जिसका विभाजन संभव नहीं है वर्ण कहलाता है। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है वर्ण कहलाता है। ब्रैकेट में लिख दीजिए अक्षर। वर्ण कोई अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं।
एग्जाम में कई बार पूछते हैं वर्णः कति विधः, मूल वर्ण कितने प्रकार का है, तो द्विविधः, मूल वर्ण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। लेकिन यदि अपन बात करें स्वर भी नहीं है व्यंजन भी नहीं है लेकिन वर्ण है, लेकिन लिखा जाता है, लेकिन भाषा में जिसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका, अयोगवाह। लिख दीजिए इस तरह से डायग्राम बना दीजिए, स्वर व्यंजन और अयोगवाह, स्वर व्यंजन अयोगवाह, कंफर्म, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। स्वर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, व्यंजन के नीचे कुछ नहीं लिखना है, अयोगवाह के नीचे भी अभी कुछ नहीं लिखना है, नाम लिखते हैं बस, याद कर लें। स्वर हमें पता है, व्यंजन हमें पता है, अयोगवाह पहली बार पता चले कौन है, अयोगवाह किसे कहते हैं, डिटेल लिख देंगे अभी, है ना। अब देखो एक नॉर्मल सी बात करें तो हमने अभी जस्ट पढ़ लिया वर्ण, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं है क्या कहलाएगा, वर्ण। वर्ण को ही हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, अक्षर, ठीक है। कितने प्रकार के, मूलतः दो प्रकार के हैं, और हम अयोगवाह को भी क्या मानते हैं, वर्ण ही मानते हैं, तीन हो गए, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ण है वर्णों से मिलकर बनेगा कौन, वर्णमाला, आ रहा है समझ में, हिंदी वर्णमाला है ना अपना अ आ ई, वैसे संस्कृत की भी एक वर्णमाला है, हम लोग हिंदी वर्णमाला को संस्कृत वर्णमाला नहीं कहेंगे, संस्कृत की अपनी वर्णमाला है, आ रहा है समझ में। इंग्लिश की वर्णमाला कौन है, एबीसीडी, हिंदी की वर्णमाला कौन है, अ आ ई, तो संस्कृत की भी कोई वर्णमाला तो होगी जिससे संस्कृत निकला है, तो चलिए लिखें वर्णमाला क्या चीज है। वर्णमाला क्या चीज है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, आ रहा है समझ में। ये परिभाषा तो कभी नहीं पूछेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, माला कैसी होती है, व्यवस्थित तो होती है, माला कैसी रहती है आप खुद डिफाइन करें, व्यवस्थित होती है, एक के बाद एक फूल या मोती जो भी पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार जहां एक के बाद एक क्रमानुसार वर्ण पिरोए रहते हैं वही कौन है आपकी, वर्णमाला। एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, एग्जाम में ये जरूर पूछेंगे संस्कृत वर्णमालायाः अपर नाम किम, संस्कृत वर्णमालायाः का संज्ञा, आ गया समझ में, संस्कृत की वर्णमाला का अन्य नाम क्या है, संस्कृत की वर्णमाला को क्या कहेंगे, ये जरूर से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए मेरा तो नेचर है पढ़ाते समय खूब सारे क्वेश्चन हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, ताकि यहाँ हिंदी पढ़ के अचानक से जब एग्जाम में जाते हैं ना तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, पर हम तो यहाँ इतने संस्कृत के क्वेश्चन लिखते हैं कि हम हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वहां जाते हैं तो हमें तो सारा नया बिल्कुल नया नहीं लगता, सारा कॉमन है और हर प्रश्न भी वही होता है जो कि हमने पढ़ा है ना, तो उसी हैबिट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलिए आइए, क्या है वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला। क्वेश्चन लिखें, संस्कृत वर्णमालायाः का संज्ञा, संस्कृत वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है, संस्कृत वर्णमाला क्या है, क्वेश्चन लिखिए आप, आंसर यहां मिल जाएंगे, है ना, क्वेश्चन लिख दीजिए। शुरू करें, संस्कृत वर्णमालायाः का संज्ञा, संस्कृत वर्णमाला की कौन सी संज्ञा होती है, संस्कृत वर्णमाला को क्या कहते हैं, संस्कृत वर्णमाला को एक तो कहते हैं माहेश्वर सूत्रम, दूसरा शिवजाल सूत्रम, तीसरा वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय,
और चौथा कहेंगे प्रत्याहार सूत्र। आया समझ में? आपने एक ही नाम याद किया होगा, सही बात है ना? आपने केवल एक ही नाम याद किया होगा कि संस्कृत वर्णमाला को क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। यदि आपसे पूछे माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम कौन सा नहीं है, एक बार बच्चों एक बार बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से, सब चीजें छोड़ के बोर्ड पर आ जाओ। इस क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हम बना पाते हैं देखो। वर्णमाला आ गई समझ में? जैसे अ आ इ ई उ होता है ना, वैसे संस्कृत वर्णमाला की बात कर रहे हैं कि संस्कृत की वर्णमाला के अन्य नाम क्या हैं। माहेश्वर सूत्र सबको पता है ना, सबको पता है ना माहेश्वर सूत्र, उसी को कहते शिव जाल सूत्र, यानी शंकर का जाल, वर्णों का जाल ही तो है ये। वर्ण समामना यानी कि वर्णमाला। फिर एक है प्रत्याहार सूत्रम। एक प्रश्न तो ये पूछेंगे कि संस्कृत वर्णमाला का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम कितने हैं, चार। संस्कृत वर्णमाला का कौन सा एक नाम नहीं है, संस्कृत वर्णमाला का कौन सा एक नाम नहीं है, तो हमें तो चार याद है, कौन सा एक नहीं है उसको आउट कर देंगे अपन। फिर निम्नांकित में से कौन सा अशुद्ध है, कुछ भी पूछे, हमें मैक्सिमम पढ़ाई करके जाना है कि मैच द कॉलम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आपको याद रखना है कि माहेश्वर सूत्र ही कौन है आपका, प्रत्याहार सूत्र यही कौन है, वर्ण समामना है यही कौन है, शिव जाल सूत्रम, और यही कौन है आपकी वर्णमाला। कंफर्म लिख दीजिए, कंटेंट हाथों हाथ याद करना है। आप सोचो कि मैं फुर्सत से संस्कृत पढ़ूंगा तो वो फुर्सत अब नहीं मिलेगी, आ रहा है ना समझ में, वो फुर्सत अब नहीं है। संस्कृत वर्णमाला की कौन सी संज्ञा है याद कर लें, माहेश्वर सूत्र, शिव जाल सूत्र, वर्ण समामना है, प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र से अपर नाम के माहेश्वर सूत्रम, कुछ भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। प्रत्याहार सूत्र का अन्य नाम कौन है, माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम कौन सा एक नहीं है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन की वेरिएशन बनाना सीखो आप, कुछ भी पूछे मैक्सिमम ये है, ये हमें याद करना है, ये याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बढ़े आगे, सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण, भाषा की वह लघुतम इकाई जिसका विभाजन संभव नहीं, यानी कि अक्षर। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो स्वर, व्यंजन, जो स्वर भी नहीं है व्यंजन भी नहीं है वो किसमें चला गया, अयोगवाह में। फिर अपन ने बात की वर्णमाला की, वर्णमाला के ही अन्य नाम कितने मिल गए हमें, चार मिल गए। अब देखिए वर्णमाला क्या है, चलिए वर्णमाला यानी कि अपना कौन, माहेश्वर सूत्रम लिखना है मेरे साथ ही, है ना, फटाफट से करो। लिख दो, याद केवल यहां तक ही करना है, हो जाए तो, है ना, नहीं हो तो इसका भी तोड़ है मेरे पास।
हो जाएगा, याद कर लें। चलिए, इसकी कोशिश करो, इसको याद करने की कोशिश करो। अ ई उ ण बोलना पड़ेगा बच्चों, शांति से, लैंग्वेज तो कभी याद नहीं होगी। अ ई उ ण रिल री क ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण। क्लियर, एक बार च तक ही बोलो। अ ई उ ण रिल री क ए ओ अंग ऐ औ च, च तक ही बोलते हैं। चलो शुरू करो। अ ई उ ण फिर से। ठीक है, अब देखो सबने लिख दिया है ना, 100% अटेंशन बोर्ड पर देना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रीट में माहेश्वर सूत्राणी करके एक टॉपिक जुड़ा है ना, जुड़ा तो क्या है, बिना इसके तो वैसे भी जुड़ा या नहीं जुड़ा, इसके बिना तो वैसे भी ग्रामर शुरू ही नहीं होता, तो हम तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने एक अलग से माहेश्वर सूत्राणी जोड़ दिया है, इसके बिना तो वैसे भी संस्कृत ग्रामर शुरू ही नहीं होता है ना, तो ये तो सिलेबस में है नहीं, इट डजंट मैटर, हमें पढ़ना ही होता है। शुरू करें, क्या क्या मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ इससे बनेंगे उसकी बात कर रहे हैं। लिखेगा कोई भी नहीं, हम दो तीन बार याद कर लेंगे, है ना। शुरू करें। अयुण रिलरिका एंगा अय उच। अब देखो अ से लेकर च तक, बहुत ही इजीएस्ट वे में शुरू कर रही हूँ। अ से लेकर इस च तक को देखिए, ये सारे के सारे स्वर दिख रहे हैं क्या? अंतिम वर्ण को छोड़ दो, ये जो आपके अंतिम अंतिम वर्ण है ना, इनको छोड़ दो। इसके अलावा अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, क्या दिख रहे हैं? सारे के सारे स्वर दिख रहे हैं ना। आपको लग रहा होगा ये तो मुझे भी पता था, मैडम आज नया क्या बता रहे हैं। तो देखो बेसिक तो पता ही होता है, हिंदी की बात, हिंदी पढ़ने बैठते तो भी यदि मैं अ ई से पढ़ाती तो अ ई तो पता ही होता आपको, आ रहा है समझ में? लेकिन जहां कॉमन चीजें तो पता ही होंगी आपको, बहुत चीजें वो बताऊंगी जो कि आपने सुनी भी नहीं होंगी, है ना। कहां बात कर रहे थे? अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं? स्वर दिख रहे हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर ही अपना कौन है? अच है, कंफर्म है। स्वरस्य का संज्ञा अच, अचस्य का संज्ञा स्वर, आ रहा है समझ में? स्वर की कौन सी संज्ञा है तो अच, अच की कौन सी संज्ञा है तो स्वर। यदि पूछे माहेश्वर सूत्रे कति स्वराहा, माहेश्वर सूत्रे कति स्वराहा, काउंट कर लो, नौ है, कंफर्म है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते बनाने, स्वरस्य का संज्ञा अच, अचस्य का संज्ञा स्वर, ये बनेगा एक क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रे, ये माहेश्वर सूत्र ही तो है, माहेश्वर सूत्रे स्वराहा कति या अच कति विध, एक ही बात है ना। स्वराहा कति, स्वर कितने हैं तो नव यानी नौ, या अच कति विध, अच कितना है तो भी कितना, नौ। क्या आंसर हो जाएगा अपना? नव। क्लियर। यदि भाई दिवे क्वेश्चन आए कि अधोलिखितेषु कह एक स्वर न, निम्नांकित में से कौन सा एक स्वर नहीं है, कर पाओगे? ये तो अपने को याद करना है ना। अ ई उ ण रिल रि क ए ओ अंग ऐ औ च, फिर से। अ से लेकर च तक के वर्णों का समुदाय कहलाएगा अच, और अच ही अपना हो कौन है? स्वर। माहेश्वर सूत्रे कति स्वराहा? नव। वी हैव टू स्पीक नाउ इन संस्कृत ओनली, नो नहीं, नो तो अपना नो हो जाएगा। अपने को क्या बोलना है? कितने स्वर हैं तो नव। सारी मॉडिफाई कर देंगे, सारी क्लास को संस्कृत में लेके चले जाएंगे अपन, कितने हैं अपने पास? नो, यानी कि कितने? नव। अब देखो आराम से, अपन बात कर रहे हैं ह से लेकर उस ल के पास चले जाइए। ह से लेकर ल तक आपको सारे के सारे क्या दिख रहे हैं? व्यंजन, या तो अपने वर्णों में या तो स्वर होते हैं या फिर कौन होते हैं? व्यंजन। लेकिन स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हमने अयोगवा भी ढूंढे हैं आज, जो कि ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। यहाँ कहीं विसर्ग आया है क्या? कहीं अनुस्वार आया है क्या? जो ना स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन भाषा में बहुत महत्व रखते हैं, ऐसे सारे वर्णों का समुदाय ही क्या कहलाएगा? अयोगवा। आ रहा है ना समझ में? लिखना कुछ भी नहीं है पीछे, मैं गलत लिख दूंगी बोर्ड पर। आ रहा है समझ में? लिखने का टाइम है पर्टिकुलर, लिखते समय पढ़ना और पढ़ते समय लिखना ही नहीं है। अपन बात कर रहे हैं ह से लेकर ल तक सारे के सारे कौन है अपने पास? व्यंजन। तो अपन दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अपना व्यंजन जो है, अपना जो व्यंजन है ना, व्यंजनस्य प्रत्याहारः कः, व्यंजन का कौन सा प्रत्याहार है?
कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि व्यंजन का कौन सा प्रत्याहार है या स्वर का कौन सा प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब इतना है कि एक पहला अक्षर और एक आखिरी अक्षर, उसको दोनों को मिला दो तो ये दोनों जो कहलाते हैं यही बन जाते हैं कौन? प्रत्याहार। स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है? तो अच। व्यंजनों का प्रत्याहार कौन है? तो हल। आया समझ में? कितने क्वेश्चन बने वापस सुनना, जितनी बार संस्कृत सुनोगे उतनी बार परफेक्शन आएगा। स्वरस्य का संज्ञा? अचस्य का संज्ञा? माहेश्वर सूत्रे कति अच? माहेश्वर सूत्रे अच कति विध? ठीक है, क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन खत्म हुआ। दूसरा पूछे, माहेश्वर सूत्रे स्वराणाम प्रत्याहार कह? माहेश्वर सूत्र में स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है? प्रत्याहार यानी एक पहला और एक लास्ट का कौन है अपना? अच। अब व्यंजन पे आ जाते हैं। माहेश्वर सूत्रे व्यंजनस्य का संज्ञा? माहेश्वर सूत्रे व्यंजनस्य का संज्ञा? माहेश्वर सूत्र में व्यंजन की कौन सी संज्ञा है? तो हल। भाई दिवे पूछे, माहेश्वर सूत्रे व्यंजनस्य प्रत्याहार कह? प्रत्याहार यानी एक पहला और एक लास्ट का, तो माहेश्वर सूत्र में व्यंजन का प्रत्याहार कौन सा है? तो भी कौन? हल। यदि पूछे हलस्य का संज्ञा, तो हलस्य का संज्ञा? हल की कौन सी संज्ञा है? हल का अन्य नाम क्या है? तो कौन? व्यंजन। माहेश्वर सूत्रे व्यंजनाः कति विध? माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने हैं? गिनने बैठे? नहीं गिनने बैठे हम लोग कर देंगे। ये 9 हैं और ये कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। ऐसा भी नहीं आएगा और 33 भी नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? न तो ये आएगा और न 33 आएगा। आपका आएगा डिटेल लिखा हुआ आएगा। आ रहा है ना समझ में? तो डिटेल वाली जो गणित है उसको भी सीख लेंगे आज के आज ही। शुरू करें। कोई भी गणना आप जब करते हैं ना संस्कृत में, चाहे वो डिटेल लिखी हुई हो या डिजिट लिखा हुआ हो, आपको वो गणना करनी है कहां से? पीछे से। आ रहा है समझ में? गिनती कहां से करोगे आप? पीछे से। कितना है? 30 और 3। 33 किसको कहते हैं? 30 और 3 को। तो 30 को कहेंगे कितना? 30 को कहेंगे कितना? त्रिंशत। 30 को कहेंगे कितना? त्रिंशत। और 3 को कहेंगे क्या? 3 को क्या कहेंगे? त्रयः या त्रयो या त्रयस। 3 ऑप्शन दे रही हूं मैं। बहुत उलझाऊंगी बच्चों पढ़ाते समय, लेकिन उलझाने के बाद सही सिखाऊंगी ना, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। त्रयः, त्रयो या त्रयस, ए बी सी, क्या सही है? तीनों सही है, तीनों ही सही है। लिंग नहीं है बच्चों, ये लिंग नहीं है, ये संधि का कमाल है। बोर्ड पर आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ना मैं सिखाऊंगी भी सही उलझाऊंगी भी सही। आपको पता है त्रयः त्रिंशत, क्या विसर्ग का ओ बनता है? रामः अस्ति का रामो अस्ति बनता है? कह अपि का को अपि बनता है? विसर्ग का ओ बनता है? आप आज नहीं भी हो ना क्लास में तो भी बस सीख लो कि विसर्ग का क्या बनता है? ओ बनता है। कहां पर? विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो त्रयः त्रिंशत सही है, तो त्रयो त्रिंशत भी तो सही हुआ ना, कि विसर्ग का हमने क्या बना दिया? ओ। क्या विसर्ग का स बनता है? नमः धनकारः। आया समझ में? नमः धनकारः बराबर क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा? नमस्कार। तो क्या विसर्ग स बनता है क्या? तो ये क्या तीनों सही हुए ना? जितने भी अज्ञानता, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, ऐसी सारी चीजें यहाँ लेके आओ, मुझे तो बहुत मजा आता है। बहुत आप डाउटफुल होके आते हैं ना, वो सारे डाउट हटाने में मुझे बहुत मजा आता है। मतलब मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे ऑब्जेक्ट हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप पर प्रयोग करना। आ रहा है समझ में? क्या कंटेंट याद रखोगे? त्रयः भी सही है, त्रयो भी सही है और त्रयस भी सही है। बनेगा कैसे? 33 को क्या क्या कह सकते हैं? त्रयः त्रिंशत, त्रयो त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत, और ऑप्शन 2 आ गया सर्वे। तो फिर आया समझ में? प्रश्न ऐसा आएगा, आराम से सीखो, बिल्कुल जल्दी नहीं है। बहुत जल्दी करेंगे ना तो भी कोर्स एक दिन लेट खत्म हो जाएगा बस, है ना? तो एक दिन लेट खत्म करेंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे। वापस से देखो, व्यंजनाः कति विधः। माहेश्वर सूत्रे व्यंजनाः कति विधः। माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने? अपन ने बोल दिया 33।
लेकिन संस्कृत में ना तो ये 33 आएगा ना 33 आएगा, क्या आएगा? बोले तीनों ऑप्शन बोलो, त्रयः त्रिंशत, त्रयो त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत। कंफर्म जितना सीख रहे हो याद हो रहा है ना? ये नव याद है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके तीन ऑप्शन मिल गए। अब देखो आगे बात कर रहे हैं, लिखेंगे हम आराम से, आपके मन में ही चल रहा होगा मैं लिख दूं फटाफट से, अच्छा आंसर है, लिखेंगे आराम से, है ना। क्या क्या क्वेश्चन बने? अच ही अपना कौन है स्वर, अच ही अपना कौन है, अच ही कौन है अपना स्वर, अच की संख्या कितनी है 9, हल ही अपना कौन है व्यंजन, हल की संख्या कितनी है 33। अब यदि आपसे कोई पूछे कि वर्णानाम का संज्ञा, वर्णानाम का संज्ञा, न तो आपसे अच पूछ रहा है, न आपसे हल पूछ रहा है, आपसे तो वर्ण यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक, समझ रहे हैं क्या? आपसे पूछ रहा है वर्ण, वर्ण यानी कहां से शुरू हो रहे हैं, अ से लेकर कहां तक, ल तक। आपसे यदि पूछा जाए वर्णानाम का संज्ञा, तो आपका राइट आंसर कौन सा है? अल। अल प्रत्याहार कस्य, अल प्रत्याहार किसका है? तो फिर माहेश्वर सूत्र का, वर्णानाम वर्णस्य नहीं हो सकता बच्चों, वर्णानाम वर्ण एक है क्या, वर्ण कितने हैं? बहुत सारे, तो वर्णस्य कैसे होगा? वर्णानाम होगा ना, समझ में आ रहा है क्या? वापस से बात करें, अच हो गया कौन स्वर, हल हो गया कौन व्यंजन, अल हो गया कौन वर्ण, सारे के सारे वर्ण, यानी कि ये सारा का सारा मैटर ये कहलाएगा आपका कौन, अल। तो तीसरा कंटेंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तीसरा कंटेंट अपना है कौन, वर्ण, और वर्णानाम का संज्ञा तो अल। अल प्रत्याहार कस्य, वर्णानाम, अल प्रत्याहार किसका है? तो वर्णों का है, वर्ण एक तो नहीं है, वर्ण कितने हैं? बहुत सारे, तो वर्णस्य नहीं कहेंगे बच्चों, रामस्य कह सकते हैं, वर्णस्य नहीं कहेंगे, हमें क्या कहना पड़ेगा? वर्णानाम। वर्णाः कति विधः, हाँ काउंटिंग कर लो, 33 और 9 कितने हो गए? 42 हो गए। अब फिर वही टेंशन कि 42 को फिर क्या कहें, 42 को फिर क्या कहें? मैंने कहा पीछे से रीडिंग लगानी है, पीछे से रीडिंग लगानी है। दो को क्या कहेंगे? द्वि। अच्छा द्वि को द्वयः भी कह सकते हैं क्या? संख्या ज्ञानम कुछ बच्चों ने पढ़ा है मुझसे, देखो बोर्ड कम पढ़ता है हमेशा मुझे, बट कोई बात नहीं, इसको अपन कह सकते हैं द्वि। और फिर कितना? 40, 2 और 40, 40 और 2 ही तो 42 हुआ ना। अब अपन ने 2 के लिए पीछे से शुरू करनी, मैंने कहा 2 के लिए तो लिख दिया अपन ने द्वि, 40 को कहेंगे अपन कौन? चत्वारिंशत। अब देखो मैं बोल रही हूँ द्वि चत्वारिंशत सही है, क्या द्वि का द्वयः चत्वारिंशत भी हो सकता है? क्या हो सकता है ना, क्योंकि अपन ने एक सीरीज याद की थी, कहां से लेकर कहां तक? 40 से लेकर, हाँ मतलब 40 वाली सीरीज, मतलब 42 से लेकर 42, 52, 62, 72, याद आ रहा है? 42, 52, 62 और 72, यहां तक अपन को द्वि और द्वा, द्वि और द्वा दो ऑप्शन मिलेंगे, आ रहा है समझ में? ये सीरीज हमने याद की थी कि 40 वाली सीरीज से लेकर यानी 42, 52, 62, 72 तक में अपन जितने भी आंकड़े हैं उनको द्वि भी कह सकते हैं और द्वा भी कह सकते हैं। तो द्वि चत्वारिंशत तो अपन ने लिखा ही है, इसको अपन क्या कह सकते थे? द्वा चत्वारिंशत भी कह सकते थे, है ना? लिख दें इतना कंटेंट, एक बार तो याद करके सुनाएंगे आप मुझे पहले तो। स्वर क्या है? एक सांस में बोलना बच्चों, स्वर क्या है? अचानाम संख्या कति, वर्णस्य संज्ञा का, वर्णस्य संज्ञा का, अल कति विधः, आराम से देख के बोलो, अल कति विधः, द्विचत्वारिंशत। अपन बात कर रहे हैं व्यंजनस्य का संज्ञा, अल कति विधः, अल कति विधः, अल कितने, हल सॉरी है ना, व्यंजन का अन्य नाम क्या है? हल। हल कति विधः, त्रिंशत। ठीक है एक बार लिख देते हैं कंटेंट, शुरू हो जाओ। माहेश्वर सूत्र लिख दिया था अपन, देखो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखते हैं।
संस्कृत भाषा में लिखेंगे, मैं हिंदी नहीं लिखवाऊंगी। रीट में भी पेपर तो संस्कृत में ही आता है, सेकंड ग्रेड में भी पेपर संस्कृत में आता है ना, मैं हिंदी नहीं लिखवाऊंगी, अपन संस्कृत ही लिखेंगे। कोशिश करते हैं ना, विसर्ग वगैरह की मिस्टेक होगी, एक दो ही नोगी बच्चों सुधर जाएगी, है ना। चलो, स्वरस्य प्रत्याहारः कः, स्वरस्य स्वरस्य प्रत्याहारः कः। आज आप नए हैं ना, इसीलिए मैं लिख के बता रही हूं, अदरवाइज हम थ्रू आउट संस्कृत लिखेंगे, है ना। स्वरस्य प्रत्याहारः कः, क्या आंसर है? स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है? अच, फटाफट से कर दो। स्वरस्य का संज्ञा, जल्दी से लिखो, स्वरस्य का संज्ञा। स्वरस्य का संज्ञा, स्वर की कौन सी संज्ञा है? तो भी अच। तीसरा प्रश्न, माहेश्वर सूत्रे अचानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्रे अचानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्र में अच की संख्या कितनी है? नव। कितनी है? तो नव। व्यंजनस्य का संज्ञा, व्यंजनस्य का संज्ञा, इसी को हम कह सकते थे का संज्ञा के कोष्टक में लिखो अपर नाम किम, अपर नाम किम। बहुत वेरिएशन याद करनी पड़ेगी, बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जितना आप सब्जेक्ट को डिवोटेड होंगे, सब्जेक्ट उतना ही मार्किंग देगा आपको, है ना, याद रखना। शुरू करें, व्यंजनस्य का संज्ञा या व्यंजनस्य अपर नाम किम, तो हल। फिर लिखें माहेश्वर सूत्रे, माहेश्वर सूत्रे व्यंजनानाम, माहेश्वर सूत्रे व्यंजनानाम प्रत्याहारः कः, माहेश्वर सूत्रे व्यंजनानाम प्रत्याहारः कः, माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा है? तो कौन? हल। माहेश्वर सूत्र में व्यंजनों का प्रत्याहार कौन सा है? तो हल प्रत्याहार ही है। माहेश्वर सूत्रे, तीसरा प्रश्न, माहेश्वर सूत्रे हल वर्णानाम, माहेश्वर सूत्रे हल वर्णानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्रे हल वर्णानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्र में हल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, माहेश्वर सूत्रे हल वर्णानाम, आराम से देख लो, हल वर्णानाम संख्या कति, अच को काट के हल लिखा है, हल वर्णों की संख्या कितनी है? अपने पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से। एक तो कहेंगे अपन, देखो अपन डिजिट में बात करते हैं, डिजिट है अपना 33, जिसको संस्कृत में ऐसे लिखेंगे 33, है ना। एक तो विसर्ग लगा दें सबसे पहले, त्रयः त्रिंशत्, एक लिखेंगे त्रयो त्रिंशत्, एक लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्,
हो जाएगा। चलिए, स्वर हो गया और व्यंजन हो गया। बढ़े आगे। चलिए, स्वर कंप्लीट है, व्यंजन कंप्लीट है, आ जाइए वर्ण पर। वर्णा नाम का संज्ञा, ऑब्लिक करके कह प्रत्याहार भी कर दो, दोनों एक ही बात है। वर्णों की कौन सी संज्ञा है, या वर्णों का कह प्रत्याहार है? कौन सा प्रत्याहार है, कौन सा? अलवर्णा नाम संख्या कति, अलवर्णों की संख्या कितनी है? तो 42। अलवर्णों की संख्या कितनी है? तो 42। क्या कहोगे, इसको पीछे से पढ़ना है। पीछे से क्या लिखा है? दो। दो को अपन कह सकते हैं द्वि, और 40 को चत्वारिंशत। 40 को कहेंगे क्या? चत्वारिंशत। ठीक है, द्वि चत्वारिंशत। इसी का अन्य नाम हमारा द्वा चत्वारिंशत भी है। इसी को अपन द्वा चत्वारिंशत भी कह सकते थे। कंफर्म, द्वि चत्वारिंशत या फिर द्वा चत्वारिंशत, एक ही बात है। बढ़े आगे। अब एक छोटी सी चीज यहां और इंक्लूड कर लो, आपको संख्या ज्ञान हम सिखाएंगे जब टाइम आएगा तब। अभी एक कंटेंट याद कर लो कि 42, 52, 62 और 72, इनको द्वि भी कह सकते हैं और द्वा भी कह सकते हैं। बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से, एक बार याद कर लेते हैं फिर लिखेंगे। 42, 52, 62 और 72 रहेगा याद? 42, 52, 62 और 72, इनकी जब स्टार्टिंग होगी तो अपन इसको द्वि भी कह सकते हैं और द्वा भी कह सकते हैं, है ना? एक बार आप बोल के बताएं, 42 को क्या कहेंगे? द्वि चत्वारिंशत। 52 को द्वि पंचाशत। 62 को द्विषष्टि। 72 को द्विसप्तति, द्वा सप्तति, द्विषष्टि, द्वा षष्टि, द्विपंचाशत, द्वा पंचाशत, द्वि चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत। आ रहा है समझ में? इसको द्वि भी कह सकते हैं और द्वा भी कह सकते हैं। बाद में संख्या ज्ञानम टॉपिक आएगा, उस समय संख्या का बहुत अच्छे से ज्ञान लेंगे, अभी टू द पॉइंट चल रहे हैं ना। देखो, अपन बात कर रहे थे किसकी, अल की। अल कितने हैं? 42। इसको द्वि भी कह सकते हैं और द्वा भी कह सकते हैं। अल ही अपना कौन है? वर्ण है। वर्णा नाम का संज्ञा लिख चुके हैं, अब तीनों कंटेंट हो गए अपने पास। देखो, बोर्ड पर आ जाएं फटाफट से। कौन है अपना? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या थे? माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर यानी शिव, तो शिव जाल सूत्र। ये वर्णमाला है तो वर्ण समामनाएं, और एक कौन? प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, फिर हमने माहेश्वर सूत्र लिख दिए। अच याद है? फटाफट से देख लो, हटा रहे हैं। अच याद है ना? अच कितने हैं? हल कितने हैं? हल 33, अल 42, है ना? संस्कृत में संख्या ज्ञानम वाला टॉपिक करेंगे ना, तो ये सारे कंटेंट और अच्छे से हो जाएंगे। कई बार हमसे पूछते हैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र से अंतिम वर्ण से का संज्ञा? माहेश्वर सूत्र से अंतिम वर्ण से का संज्ञा? इत संज्ञा। आराम से देखो, बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये है पूरा का पूरा आपका माहेश्वर सूत्र, दिख रहा है बोर्ड पर?
इस माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण दिख रहा है आपको? सारे के सारे अंतिम वर्ण कैसे हैं अपने? हलंत हैं। तो हलंत को ही तो कहते हैं क्या? इत। तो आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्रे अंतिम वर्ण से का संज्ञा, तो इत संज्ञा। क्लियर? यदि पूछे इत संज्ञा यह किम फलम, इत संज्ञा का क्या फल है? फल यानी फ्यूचर में इत संज्ञा, यदि अपन ने किसी की इत संज्ञा की है तो फ्यूचर में अपन उसका क्या करने वाले हैं? तो लोप। दो क्वेश्चन लिखने हैं, लिख दीजिए। माहेश्वर सूत्र से अंतिम वर्ण से का संज्ञा? माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा है? संज्ञा यानी वही नाम। माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण का क्या नाम है? कौन सी संज्ञा यानी कि क्या नाम, एक ही बात है ना? माहेश्वर सूत्र से अंतिम वर्ण से का संज्ञा? लोप संज्ञा भी आएगा बच्चों एग्जाम में, लोप संज्ञा। लोप संज्ञा नाम नहीं है, गलत हो जाएगा आपका आंसर। माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा है? एक आएगा लोप संज्ञा और एक आएगा कौन? इत संज्ञा। लोप कोई संज्ञा नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? इत संज्ञा। लिख दीजिए अंतिम वर्ण से का संज्ञा, इत संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन, इत संज्ञा यह किम फलम? इत संज्ञा यदि अपन किसी की कर देते हैं, अपन किसी वर्ण का नाम रख देते हैं कि तुम कौन हो, इत हो, उसका अपन क्या करने वाले फ्यूचर में, क्या फल मिलेगा? तो क्या फल निकलेगा इसका? लोप। अब मैं वापस समझाती हूँ क्या इत संज्ञा है ना, सारा समझा दूंगी। दो ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे ना। पहले कहा 14, फिर अचानक से काले गोले को कैसे हटा के 15 करोगे? सही है ना? तो एक परफेक्ट आंसर होना चाहिए अपने पास। माहेश्वर सूत्र में देखो, आपने भले किसी पासबुक से 15 रट लिया होगा, लेकिन आपको पता नहीं कि 15 हुए कैसे। बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से। 14 कौन है? माहेश्वर सूत्र है। 14 बार कौन है? इत संज्ञक। 14 तो कन्फर्म है। अब देखो एक अतिरिक्त जो व्यंजन है, इसका नाम अपन ने रख दिया कौन? इत। आया समझ में? यही तो है इत संज्ञा। इत संज्ञा, इत संज्ञा इतना पढ़ लिया लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि इत संज्ञा क्या चीज है। कोई भी ग्रामर की बात लिखी हुई होगी, उसके कोई वर्ण अंत में है, व्यंजन है, हलंत है, उस अक्षर का नाम अपन ने क्या रख दिया? इत रख दिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ इत संज्ञक वर्ण कौन है? यहाँ इत संज्ञक वर्ण कौन है? कैसे पता चला? अंत में है, व्यंजन है, हलंत है, ये तीनों विशेषता जिसके पास इस अक्षर का नाम कौन है? इत।
संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, इत संज्ञा यानी इत नाम, इस अक्षर का नाम इत है, यहाँ इस अक्षर का नाम इत है, यहाँ पर इस अक्षर का नाम इत है, कंफर्म। अंत में है व्यंजन है हलंत है, यानी उसका नाम अपन ने क्या रख दिया, इत। अब इस इत का अपन फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, तो इसका क्या करेंगे, लोप कर देंगे। दो क्वेश्चन प्रिपेयर हुए, बोर्ड पर आ जाओ। आप कह रहे हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र है, तो 14 बार हलंत आया, 15वीं बार कहाँ आया, देखो 15वीं बार आया लण में, लण दिख रहा है आपको, देखो लण में जो ल है ना, ल ल कैसे बना होगा सोचो एक बार, अ प्लस ल या ल प्लस अ, सारे बच्चे कंफर्म हो जाओ, ल कैसे बनता है, ल प्लस अ, हमेशा याद रखना स्वर अंत में आएंगे, व्यंजनों के अंत में आएंगे स्वर। तो ये हमसे कह रहे हैं कि पूरा ल कैसे बना, ल हलंत प्लस अ, तो ये जो ल हलंत प्लस अ में है, जो अ है, ये जो अ है ना, वो कौन है, इत संज्ञक है, आ रहा है समझ में, हकारादिशु अकार उच्चारणार्थ, किंतु लण मध्ये तो इत संज्ञक है। इतना सा सुनो अभी, लण सूत्र में ण तो वैसे ही हलंत है, ल ण में अ है क्या, इस ण की बात कर रहे हैं, ण में अ है क्या, तो ण तो वैसे ही संज्ञक हुआ, क्योंकि अंत में भी है, व्यंजन भी है और हलंत भी है। यहाँ पर एक और अक्षर हलंत है, कौन, ल, लण में कौन सा अक्षर हलंत है, तो ण भी हलंत है और ल भी हलंत है। ल हलंत क्यों है, क्योंकि ल में से जो अ है ना, उस अ की क्या हो गई आपकी, इत संज्ञा। तो देखो 14 तो ये और ल में स्थित अ, ये 15वां इत संज्ञक हुआ, आया समझ में, रुक दीजिए। माहेश्वर सूत्रे इत संज्ञक वर्णाः कति, लिखो जो भी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, यहां से कोई निराश नहीं गया, एक अच्छा नहीं गया, आपके दिमाग का स्तर वो भी ना उतना भी करूंगी, कितना स्तर है, बिल्कुल साइलेंट है माइंड, को भी उतना भी कर लूंगी। शुरू करें, क्या बात कर रहे थे, माहेश्वर सूत्रे इत संज्ञक वर्णाः कति, कति यानी हाउ मेनी, माहेश्वर सूत्रे इत संज्ञक वर्णाः कति, कति के पीछे कोई विसर्ग नहीं आएगा है ना, क्वेश्चन मार्क, माहेश्वर सूत्र इत संज्ञक वर्णाः कति, माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो 15। शुरू करें, चलिए आ जाइए, च
चलिए कहाँ बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो पंचदश। और पंद्रहवा इत संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो लण सूत्र के ल में स्थित अ भी कौन है आपका, इत संज्ञक है, कंफर्म हो जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पूछा जाए माहेश्वर सूत्र कह वर्ण द्विवारम आयति, माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण द्विवारम दो बार आयति आता है, आ रहा है समझ में, माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार आता है, कह वर्ण द्विवारम आयति, कौन सा वर्ण दो बार आएगा, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से, आपने रट रखा है ना, ये सब कंटेंट रटे हुए हमारे, हमने कभी जज नहीं किया ह दो बार आया, इसके अलावा भी कुछ और आया क्या। अब देखो अपन बात कर रहे हैं इस ण की, ये ण एक बार दिख रहा है, और देखो ण और कहीं दिख रहा है क्या, लण में ण दिख रहा है, देखो दोनों बार हलंते, दोनों बार हलंते यानी हलंत की तो क्या हो जाएगी इत संज्ञा, इत संज्ञा का क्या हो जाएगा लोप, तो ण तो एक भी बार नहीं है, कुछ आया समझ में, ण तो एक भी बार नहीं है। यदि अपन बात करें किसकी, क की, तो क एक बार तो हलंत है यानी कोई मतलब नहीं है, एक बार क कैसा है पूरा, तो क कितनी बार आया, एक ही बार आया ना समझ में। और देख लो एक एग्जांपल, ए ओ अंग को देखो, एक बार तो हलंत है, हलंत है तो इत संज्ञा है तो लोप, अब ये देखो एक बार अंग कैसा है, बीच में है, बीच में है यानी कैसा है पूरा, कितनी बार गिना गया, एक बार। अब ह को देखते हैं, चलिए हयवरट में ह कैसा है पूरा, हल में ह कैसा है पूरा, तो ह ही ऐसा वर्ण है जो कि कितनी बार आया, और दोनों बार कितना आया, पूरा, पूरा है तो ना लोप होगा ना इत्संज्ञा होगी। तो माहेश्वर सूत्र कह वर्ण द्विवारम आयति, कौन सा वर्ण दो बार आया है, तो ह, लिख दीजिए माहेश्वर सूत्र कह वर्ण, माहेश्वर सूत्रे बोर्ड पर देखते रहे ना, जो न्यू स्टूडेंट से वो एक बार देखें, कह वर्ण, मुझे विसर्ग बोलने की आदत है, आप कह नहीं लिख देना, कह यानी क के बाद विसर्ग, वर्ण विसर्ग, माहेश्वर सूत्रे कह वर्ण द्विवारम आयति, दो बार आता है, द्विवारम आयति, कौन सा वर्ण दो बार आता है, ह, कहां कहां आया वो भी इंक्लूड कर दो, हयवरट और हल, आ रहा है समझ में, क्या बात कर रहे थे अपन, देखो समझाने लायक कुछ छूटा ही नहीं है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, माहेश्वर सूत्र पढ़ लिया हमने सारा, माहेश्वर सूत्र में हम कह रहे हैं कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र 14 है यानी इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 14, लेकिन 15वां इत संज्ञक वर्ण भी है, कौन सा है, लण नामक सूत्र में जो ल है उस ल में स्थित अ भी कौन है आपका, इत संज्ञक है, तो कुल इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 15, 15 नहीं आएगा एग्जाम में, क्या आएगा, पंचदश, कंफर्म है। अब आगे बढ़े, माहेश्वर सूत्र कह वर्ण द्विवारम आयति, माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार आएगा, दिखा दिया आपको एक बार आधा एक बार पूरा, आधे की तो इत संज्ञा और लोप हो जाएगा तो गिना नहीं जाएगा, जो पूरा है वो ओनली कौन है आपका, ह है, तो माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार आया, तो ह, कंफर्म है। अब बाय द वे अपन बात करें कि माहेश्वर सूत्र में संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संध्य स्वर कर लेते हैं, चलो माहेश्वर सूत्र में संध्य स्वर कितने हैं, संध्य स्वराहा कति, माहेश्वर सूत्रे संध्य स्वराहा कति, संध्य स्वर कितने हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नांकित में से कौन एक संध्य स्वर नहीं है, आ रहा है समझ में, सुनो पहले, लिखने का कोई मतलब नहीं है, मुझे तो पसंद ही नहीं है आप लोग राइटिंग करते हैं, मैं तो चाह रही हूँ आप दिमाग में लिख के जाओ, यहाँ से दिमाग में लिखा हुआ तो काम आएगा ना, रजिस्टर तो पहले भी भरे होंगे पिछली बार भी, देख देख के खुश होते, अच्छा नोट्स बनाए,
माहेश्वर सूत्र में संध्य स्वर कितने हैं? आराम से सीखो, है ना, नहीं आता है तो अच्छी बात है बच्चों, जिसको नहीं आएगा वही पास होगा। संध्य स्वर कितने हैं? चार, आराम से सीखना। संध्य स्वर के नाम है ए, ओ, ऐ, औ। हिंदी वर्णमाला में ए, ऐ, ओ, औ आ रहा है समझ में? हिंदी वर्णमाला में अपन कहते ए, ऐ, ओ, औ, लेकिन अपन संस्कृत की वर्णमाला पढ़ रहे हैं ना, अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे ए, ओ, ये इत संज्ञा के लोप हो जाएगा, और कौन कहेंगे? ऐ, औ। अपना सीक्वेंस ये है, रहेगा याद? ए, ऐ, ओ, औ हम नहीं कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे? ए, ओ, ऐ, औ। ये संध्य स्वर कहलाते हैं। संध्य स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि संधियों में काम आते हैं। ये कहाँ काम आते हैं? संधियों में। ए और ओ कहाँ काम आता है? कौन सी संधि में? गुण संधि में। ऐ, औ कहाँ काम आता है? वृद्धि संधि में। आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना? गुण संधि पढ़िए, रमेश, रमेश, रमे, ए, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में एक मात्रा ऊपर, तो संधि का नाम गुण संधि। एक भी गुण संधि का एग्जाम्पल, हमने संधियों की एग्जाम्पल रटे ही नहीं, फिर भी हम हजार एग्जाम्पल बहुत कम समय में सॉल्व करते हैं। हमने एक भी अलंकार का सूत्र नहीं रटा, हमने छंदों का एक भी लक्षण नहीं रटा, लेकिन फिर भी हम विद इन वन वन सेकंड में संधि, समास, प्रत्यय, हर एक की एग्जाम्पल याद कर पा रहे हैं ना, हर एक की एग्जाम्पल हमें याद है। बढ़े आगे, अपन बात कर रहे हैं कि संध्य स्वर कितने हैं? चार। कौन कौन से हैं? ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ कहाँ आते? गुण में। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में एक डंडा ऊपर, यदि अपन बात करें रमेश की, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में एक मात्रा ऊपर है क्या? संधि का नाम कौन? यदि अपन ने कहा सूर्योदय, तो भी समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में एक मात्रा ही तो ऊपर है, है ना? तो संधि का नाम कौन? गुण संधि। तो ए है या ओ है, एक मात्रा ही तो ऊपर है, तो उसको ए ओ को तो कहेंगे कौन? गुण। और समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में दो मात्राएं ऊपर हो, दो डंडे ऊपर हो, तो संधि का नाम कौन? आ रहा है समझ में? तो इतना सा याद रखना है, कुछ भी दो मात्राएं ऊपर है दैट मींस वृद्धि, एक मात्रा ऊपर है यानी कि कौन? गुण। हो जाएगा संधि स्वराहा कति विध? चार विध, चतुर्विध, चत्वार विध नहीं बच्चों। संध्य स्वराहा कति विध? चतुर्विध, न तो चार विध न चत्वार विध, जितनी गलतियां करनी यही कर लो। आ रहा है समझ में? एक भी गलती एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करने दूंगी। लिख दीजिए संध्य स्वराहा कति विध, संध्य स्वराहा कति विध, क्वेश्चन मार्क। संध्य स्वराहा कति विध, क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है आपका? चतुर्विध। संध्य स्वराहा कति विध, चतुर्विध, चतुर्विध शब्द में कौन सी संधि है? एक सेकंड में बताना। चतुर्विध शब्द में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा, यही आशा थी मुझे आपसे। संधियां पढ़ा चुकी थी पहले वाले बैच में, बहुत अच्छे से, है ना? शुरू करें। अब जिनको नहीं पता है उनको पढ़ाना पड़ेगा, है ना? न्यू स्टूडेंट्स, आप लोग टेंशन नहीं लें, इनको भी जब ये आए थे तो इनको भी कुछ नहीं आता था। आ रहा है समझो? इनको भी कुछ नहीं आता था, पारंगत हुए, टाइम इन्वेस्ट किया, इसीलिए आ रहा है। संधि स्वराहा कति विध, चतुर्विध, नाम लिख दीजिए ए, ओ, ऐ, औ। नाम लिख दीजिए ए, ओ, ऐ, औ। ए, ओ के पीछे लिखेंगे गुण, ए, ओ के पीछे लिखेंगे गुण संधि, ऐ, औ के पीछे लिखेंगे वृद्धि संधि। हो जाएगा? और आगे बढ़ते हैं, चलो। शुरू करें। यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो, माहेश्वर सूत्राणि कानि संज्ञार्थानि,
प्रश्न बाय द वे ऐसा आ जाए, देखो क्वेश्चन यदि ये है तो आंसर क्या है। माहेश्वर सूत्राणि कानि संज्ञार्थानि, पहली बार सुना है ऐसा क्वेश्चन? नहीं था जो आपने पिछली बार पासबुक पढ़ी उसमें नहीं था क्या? तो फिर क्या मतलब ऐसे पासबुक, ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर, ऐसे एप को लेने से जहां ये क्वेश्चन ही नहीं हो। किताब खुलते ही पहला प्रश्न यही है लघु सिद्धांत कौमुदी का, आ रहा है समझ में? कोई भी ग्रामर आप पढ़ते हैं ना तो लघु सिद्धांत कौमुदी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। एक किताब पढ़ने से अपन सोचेंगे कि पास हो जाएंगे, वो अब नहीं होगा, आ रहा है समझ में? माहेश्वर सूत्राणि कानि संज्ञार्थानि, आपको ये लिखना है अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञार्थानि लिखना नहीं है बच्चों, सीख लो आज। लिख दोगे तो याद नहीं होगा, सीख लोगे तो याद रहेगा। सीखे बोर्ड पर आ जाओ। महेश लघु सिद्धांत कौमुदी जब खुलती है ना, सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, वो मैं लिखवाऊंगी क्योंकि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को बेस्ट करके पढ़ा रही हूँ ना, तो वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के उस मंगलाचरण वगैरह के बाद में एक श्लोक लिखा हुआ है कि माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। माहेश्वर सूत्र अनादि, ये रहा अण, आ रहा है समझ में? माहेश्वर सूत्र अनादि संज्ञार्थ है। माहेश्वर सूत्र की क्या संज्ञा है? अनादि। अच कह रहे थे किसको? स्वर को। हल कह रहे थे किसको? व्यंजन को। अल कह रहे थे किसको? वर्ण को। और माहेश्वर सूत्र को क्या कहेंगे? अनादि। कुछ आए समझ में? टाइम ही तो लग रहा है ना, समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है। लिखना नहीं है भैया प्लीज, आप जो बैठे ना लास्ट में झाड़ोल से जो आए हैं, नहीं लिखना है प्लीज, है ना? याद कर लो। आपके पेरेंट्स, आपके पापा आए थे ना यहाँ मुझसे बात करने के लिए उस दिन, मुझे बहुत अच्छे से याद है। किसी के पेरेंट्स जब मुझसे बात करने आते हैं ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस दिन। कोई पेरेंट वहां से चल के यहाँ आया है कि ये पास होना चाहिए, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उनके लिए, ये सोचो। आपकी फीस से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आपके पापा यहाँ चल के आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। याद करें, लिखना नहीं है प्लीज, लर्न ना, याद कर लो। अच अपना कौन था? अच कौन है? हल कौन है? अल कौन है? माहेश्वर सूत्र कौन है? अण। माहेश्वर सूत्र कौन है? अण। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा माहेश्वर सूत्राणी कानी संज्ञार्थानी, माहेश्वर सूत्र की संज्ञा क्या है? पहले अपन ने अच स्वर की संज्ञा याद की, अपने आप से बात करो प्लीज। सबसे पहले अपन ने अच की संज्ञा याद की, फिर हल की संज्ञा याद की, फिर वर्ण की संज्ञा याद की, अब चौथी संज्ञा है अपने किसकी? माहेश्वर सूत्र की। माहेश्वर सूत्र की संज्ञा क्या है? अनादि। अण आदि मतलब पूरा का पूरा माहेश्वर सूत्र है कौन? अण आदि। कन्फर्म? कन्फ्यूज तो नहीं होंगे? स्वर कौन है? व्यंजन कौन है? वर्ण कौन है? माहेश्वर सूत्र कौन है? अनादि। अण है ना, अण से क्या बनेगा? अनादि। लिख दीजिए क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्राणि कानि संज्ञार्थानि तो अनादि संज्ञार्थानि, लिख दीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे रोक सकते हैं ना, आप मुझे रोक सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं रिपीट कीजिए। वैसे रिपीट कीजिए का अवसर मैं नहीं देती क्योंकि इतना रिपीट में कर देती हूँ कि यही याद हो जाएगा। शुरू करें नेक्स्ट, चलिए आ जाइए। यदि आपसे पूछें, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से, यदि आपसे पूछें माहेश्वर सूत्र में, माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णस्य प्रत्याहारः कः? माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णस्य प्रत्याहारः कः? उष्म वर्ण का प्रत्याहार कौन सा है? उष्म वर्ण किसको कहते हैं? देखो कोई भी वर्ण आप जब बोलें,
हाथ ऐसे करो, एक एक प्रैक्टिस करनी है, वी आर डूइंग अ योगा। हाथ ऐसे करो, मैं जो बोल रही हूँ उसको रिपीट करो, श श स ह। गरम हवा आई, गरम हवा आई ना हाथ पे, यही तो है उष्म वर्ण। उष्म यानी गर्म, आ रहा है समझ में? कहीं पर भी अटक जाओ कि उष्म वर्ण क्या है, श श स ह, ये रहा आपका उष्म वर्ण। आ रहा है समझ में? तो चलो अपन बात करते हैं उष्म वर्ण है कौन। तो अपन ने लिख दिया श श स ह, है ना। और श श स ह हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखो श श श और कौन ह, यानी कि देखो ये हमें लेना है, एक दो तीन और चार हमें लेना है, यानी कि हमें तो फर्स्ट और लास्ट भी तो लेना पड़ेगा। श ह नहीं, श ल, हमको श से लेकर ल तक लेना पड़ेगा, और उसके बीच में आने वाले वर्ण ही अपने कौन है, उष्म वर्ण है। तो यदि पूछे माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णानाम प्रत्याहार कह, तो कौन सा प्रत्याहार है, शल। अपने प्रत्याहार का नाम कौन, शल, और उसके बीच में अक्षर कौन आएंगे, श श स ह। लिख दीजिए क्वेश्चन, लिखो माहेश्वर सूत्रे, माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णानाम, माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णानाम प्रत्याहार कह, माहेश्वर सूत्रे उष्म वर्णानाम प्रत्याहार कह। माहेश्वर सूत्र में उष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है, शल। टाइटल डाल दीजिए शल, कौन सा प्रत्याहार है, तो शल। ठीक है यहां तक? अब देखो एक बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा सारे लेवल पर, शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से, एग्जाम में ये पूछेंगे शल प्रत्याहार का सही क्रम क्या है, शल प्रत्याहार का सही क्रम क्या है। तीन श है हमारे पास, कौन सा आगे रहेगा, कौन सा बीच में रहेगा, कौन सा लास्ट में रहेगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम दिखेंगे। कोई ऑप्शन ऐसा होगा श श स ह, कोई ऑप्शन ऐसा आएगा श श स ह, है ना। हर बार श श स में कंफ्यूजन होगा, आपको इतना सा याद करना है, एक ट्रिक याद करनी है जिससे कभी नहीं भूलोगे। अपन सुबह उठते हैं ना, सभी आप में सभी सुबह उठते ही अपन क्या कहते हैं, हे शंकर भगवान मेरा दिन मंगलमय हो, सही बात है, करते हैं ना ऐसा। सुबह उठते ही अपन क्या करते हैं, भले आप कहते हैं नहीं मैं तो गणेश जी को कहता हूँ, या कोई कहता है मैं तो माता जी को कहता हूँ, आज से आप शंकर भगवान को कह देना, बहुत बोले हैं आपका सिलेक्शन करवा देंगे। शुरू करें, सबसे पहले उठते ही शंकर भगवान को कहते हैं ना, हे शंकर भगवान मेरा दिन क्या हो, मंगलमय हो, दिन मंगलमय हो। ये के बेड से उठे, पूरा दिन दौड़ते भागते, कोचिंग आए वापस गए, पढ़ाई की, खाना बनाया खाया, थक गए, सही बात है, सही बात है ना, थक गए ना पूरे दिन की दिनचर्या से। तो अपन कहते अब तो सहन करते करते थक गए, कहेंगे ऐसा कि सहन करने की हद हो गई, सहन करते करते थक गए, पूरे दिन से सह रहे हैं, ऐसा बोलते हो ना अपने आप से। तो सबसे पहले शंकर भगवान और लास्ट में कौन, सहन करते करते थक गए, दो शब्द सेट हो गए। आया समझ में? दो शब्द सेट हो गए, एक षटकोण ही तो बचा जिसको बीच में भर दो। आया समझ में? याददाश्त चली जाएगी लेकिन मेरी ट्रिक्स नहीं जाएंगी। मैं कौन हूं, आप डॉक्टर से पूछोगे मैं कौन हूं, लेकिन आप डॉक्टर ने पूछ लिया कि शल प्रत्याहार का सही क्रम क्या है, तो आप बोल पड़ोगे श श सह। आ रहा है समझ में? सबसे पहले उठते ही किसको, किसको, किसके सामने प्रेयर करोगे, लास्ट में क्या करोगे, सहन करते करते थक जाओगे ना, दो स तो सेट हो गए, एक ही तो षटकोण ही तो भरना है बीच में, कंफर्म लिख दीजिए और उसी ट्रिक से याद करना। बढ़े आगे, चलिए आ जाइए। माहेश्वर सूत्र में उष्म वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, शल। शल का सही क्रम क्या है, तो शंकर भगवान, सहन,
और बीच में कौन, षटकोण। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वर सूत्रे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, माहेश्वर सूत्रे अंतस्थ वर्णानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्रे अंतस्थ वर्णानाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी है अंतस्थ वर्णों की संख्या, चार। चलिए कोई बात नहीं, अब देखो अंतस्थ वर्णानाम, अंतस्थ वर्णानाम उचित क्रम कह, अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम क्या है, अंतस्थ जो वर्ण है ना उनका उचित क्रम क्या है। दो ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करेंगे, बोर्ड पर आ जाओ। एक तो है अपना यरलव और एक है अपना यवरल, बहुत कंफ्यूज करेंगे। यहां से कितना भी रटके जाओगे यरलव यवरल ये जाके एग्जाम में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, मतलब आप परेशान हो जाओगे कि कौन सा वाला सही था, और जल्दबाजी में अपन गलत कर देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम कौन सा है, प्रश्न कौन सी भाषा में दिख रहा है, प्रश्न कौन सी भाषा में दिख रहा है, तो अपन को तो आंसर संस्कृत के अनुसार देना है। सही बात है ना, अपन को आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, संस्कृत के अकॉर्डिंग। आपको ये याद रखो, मेरी एक ट्रिक है, हमेशा काफी बार बता चुकी हूँ मैं, आपको पता भी होगी, अपन जब छोटे थे, सही बात है, अपन जब दूसरी तीसरी क्लास में थे, दूसरी भी नहीं, दूसरी में तो रीडिंग और राइटिंग आ जाता है, अपन जब पहली बार स्कूल गए तो हमको क्या करवाया, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक याद करवाया ना, तो अपन क्या थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो अपन को सब क्या करते थे, लव, आ रहे समझ में, स्नेह करते थे, आ रहे समझ में। अपन जब बहुत छोटे थे, जब हमने हिंदी पढ़ी, तो हिंदी पढ़ने वाली एज में अपन बाई दी वे 4 साल के थे, तो 4 साल के बच्चे को तो सब लव करते हैं ना, हो जाएगा याद। जब आप रीड दे रहे हो, जब आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, आ रहा है समझ में, जब आप रीड दे रहे हो या जब आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो, तो आपको कोई लव नहीं करेगा, आप वर बनने की कंडीशन में हो, आया समझ में, आया ना। अब आप किस एज में हो, वर बनने की कंडीशन में हो ना, जहां लव साथ में आ जाए वो हिंदी की बात है, जहां वर साथ में आ जाए वो अपने किसकी बात है, संस्कृत की बात है। तो अपन तो संस्कृत ही पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं ना अपन। अपन से पूछा जाए अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है, तो अपन कहेंगे हम तो इस बार पास होके वर बनेंगे, आ रहा है समझ में, तो वर अपना राइट है, अपना लव राइट नहीं है, कंफर्म रहेगा याद। आपको उष्म वर्ण का सही क्रम याद है क्या, एक भी बच्चा ऐसा है जो गलती करेगा नहीं करेगा ना, क्योंकि सबसे पहले कौन, लास्ट में कौन, बीच में कौन, और अपन को जब अपन रीट या सेकंड ग्रेड दे रहे हैं तो अपन किस एज में है, वर बनने की कंडीशन में है, वर जहां आया साथ में वही अपना कौन है, राइट आंसर लिख दो। यर लव मत लिखना, अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, चाहो तो लिख देना अपने नॉलेज के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में तो वर ही लिखना, वर, वर वाली बात लिखना है ना। अंतस्थ वर्णों का उचित क्रम क्या है, यवर ल वर, य और ल की टेंशन लेनी नहीं है, अपने को तो दो ही शब्द बोलने, वर, अंतस्थ कौन है, वर, कंफर्म, चाहो तो लिख दो हिंदी में यर ल व। बड़े आगे फिर आ जाइए, माहेश्वर सूत्रे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, माहेश्वर सूत्रे अनुनासिक वर्णानाम, माहेश्वर सूत्रे अनुनासिक वर्णानाम
प्रत्याहारः कः? माहेश्वर सूत्र में अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है? बोर्ड पर दिख रहा है सभी? आंसर बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, बोल दो। अनुनासिक यानी कि कौन? अनुनासिक यानी कि वे वर्ण जो कि मुख और नासिका दोनों से मिलाकर बोले जाएं। मुख नासिका वचनों अनुनासिक, सुना है ना, मुख और नासिका दोनों से बोला जाए वो अनुनासिक कहलाएगा। तो अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है? य और म, ये राया म लिख दीजिए। माहेश्वर सूत्र में अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है? तो यम, इय और म, कंफर्म इय और म। कई बार प्रश्न पूछा जाता है अनुनासिक वर्णानाम संख्या कति, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। यहीं पर लिख दो, यहीं पर लिख दो कितनी है? 5। और बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चीजों के क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। एग्जाम में 3 चीजों के क्रम पूछे जाते हैं, कौन कौन से? एक तो आपका कौन? उष्म वर्ण, उष्म वर्ण यानी शशसह। एक आपका अंतस्थ यानी कौन? यवर अलवर। और एक तीसरा जो क्रम पूछा जाएगा वो अनुनासिक वर्णों का क्रम पूछा जाएगा। कख गग अंग, अंग य ण न म नहीं आ रहा है समझ में? कख गग अंग, च छ ज ज इय, तो अंग य ण न म नहीं, कौन? यमंगण न म। और देखो म दो बार आ गया, ये म तो कट जाएगा आपका, बच कौन गया? यमंगण न। ये लिख दो सही क्रम, सही क्रम करके लिख दीजिए। हो जाएगा। ये था आपका माहेश्वर सूत्र यानी कि कौन, वर्ण विचार। शुरू करें फिर से फास्टली, सिखा दिया है तो मेरा हक है क्वेश्चन पूछना। शुरू करें। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या हैं? जल्दी से। आधे लोगों ने केवल होंठ हिलाए, उनका क्या करें? कौन कौन से? देखो गाने नहीं गाने हैं ना, प्रवाह कौशल प्रश्न है, रैपिड रैपिड क्वेश्चन राउंड है ये, बहुत फास्टली क्वेश्चन पूछूंगी, गाने नहीं गाने, फटाफट से आंसर दे देना। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? ठीक है, माहेश्वर सूत्र, सूत्र से का संज्ञा, माहेश्वर सूत्र से का संज्ञा? अनादि, कन्फर्म है? अचादी तो नहीं है, हलादी तो नहीं है, अलादी तो नहीं है, याद है ना? स्वर को क्या कहते हैं? कितनी संख्या है? व्यंजन को क्या कहते हैं? कितनी संख्या है? वर्ण को क्या कहते हैं? कितनी संख्या है? 42। कन्फर्म है? द्वि भी कह सकते थे और द्वा भी कह सकते थे, कौन सी सीरीज को? याद है ना, 42, 52, 62, then 72, है ना? यहाँ तक द्वि भी कह सकते थे और द्वा, और त्रयः त्रिंशत् और त्रयस्त्रिंशत्, we have 3 options there, clear? चलो देखो ये हो गया था। फिर हम लोगों ने बात की थी कि माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, है ना? एक श्लोक लिख रही हूँ, लिखो आप भी।
माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, माहेश्वर सूत्र की संज्ञा अण है, हम तो याद कर चुके थे, है ना। पूरे माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? अनादि। एशाम अंत्याम इतः, माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। लिखिए फास्टली, एशाम अंत्याम इतः, इसका अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है। सॉरी, एक वर्ड की मिस्टेक हो गई है, यहां ह लिखे है ना। हकारादिशु अकारः, हकारादिशु अकारः उच्चारणार्थः, हकारादिशु अकारः उच्चारणार्थः। लण मध्ये तु इत संज्ञकः, बोर्ड पर आ जाओ। रीट वाला कोई बच्चा ये कहे कि मैडम मुझे तो इतना स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ना है, श्लोक मेरे नहीं आएंगे, तो ये श्लोक ही तो आपके प्रश्न है, कैसे प्रश्न होंगे? देखो, माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? अनादि। क्वेश्चन नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने सिलेबस में माहेश्वर सूत्र तो है ना, तो माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है? अनादि। आपके ऑप्शन आएंगे अचादि, हलादि, अनादि या अलादि, सारे एक जैसे लगेंगे जिसने नहीं पढ़ा है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है, तो अनादि। एशाम अंत्याम इतः, यानी माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण कैसा है? इतः यानी इत संज्ञक है। फिर हमसे कह रहे हैं हकार आदिशु, हकार आदिशु यानी ह य व र ट से लेकर यहां पर अपना हल था, याद है ना, कुछ याद आ रहा है? अयुना रिलरी का एंगा अयुच हय वरट से लेकर हल की बात कर रहे हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि हकार आदिशु यानी इन सब में जो अ है वो उच्चारणार्थ यानी बोलने लायक है। ह में अ है तभी तो ह बोला, य में अ है तभी तो य बोला, व कौन है अ, र कौन है अ, तो जितने भी हमने लिखे थे व्यंजन उन हकार आदि में अकार तो बोलने लायक है, यानी कि बोला जाएगा। लेकिन जो लण नामक सूत्र था आपका, उसमें जो अ था आपका, याद आ रहा है कुछ? लण सूत्र में जो अ था, लण सूत्र में अ कहाँ होगा सोचो, लण के ण में अ होगा क्या? लण के ण में अ होगा क्या? तो अ कहाँ होगा? ल में, पहले ही हमने कंफर्म कर दिया है। तो ये हमसे कह रहे कि लण में जो अ है, एक तो कौन है यहाँ पर ल हलंत और एक कौन है अ, तो लण में जो अ है वो इत संज्ञक है, यानी लण में अ नहीं बोला जाएगा। तभी तो अपने इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी ना, पंचदश। तो यही तो रीजन है कि लण में जो अ है वो बोलने लायक नहीं है। लण में अ को बोलेंगे नहीं तो ल भी कौन सा हो गया? इत संज्ञक ही तो हो गया। ल भी कैसा हो गया? लण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण इत संज्ञक है? मेरा आप लोगों से प्रश्न है, लण नामक जो प्रत्याहार है उसमें कौन कौन से वर्ण हित संज्ञक हैं? अण और अ, अण और अ, चाहो तो लिख दो। लण सूत्र में हित संज्ञक वर्ण दो हैं, लण सूत्र में हित संज्ञक वर्ण दो हैं, कौन कौन से? एक तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, कौन? अण, और एक कौन? अ। एक तो अपनाण और एक कौन? अ। दोनों ही कौन है? इत संज्ञक है। कंफर्म? अभी तक जितना पढ़ा कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं डाउटफुल हूं, मतलब अकॉर्डिंग टू यू आप कहीं डाउटफुल हैं क्या? आप कहीं कंफ्यूज हुए क्या? कोई चीज ऐसी थी जो कि आपके आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना चाह रहे? आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगी, ठीक है? चलिए, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। माहेश्वर सूत्र में अण कौन है? माहेश्वर सूत्र में अन्य नाम क्या है? अण।
अण का अंतिम वर्ण कैसा है? इत संज्ञक। जहां पर भी ह यानी जितने व्यंजन है उन व्यंजनों में अ तो बोला जाएगा, लेकिन लण नामक सूत्र में अ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अ की क्या हो गई वहां पर? इत संज्ञा हो गई। माहेश्वर सूत्र इत संज्ञक वर्णानाम संख्या कति? पंचदश यानी 15 विद रीजन। ठीक है, बढ़े आगे। ये एक कंटेंट हुआ है आपका वर्ण। आ रहा है समझ में? ये अपन ने क्या क्या पढ़ा वो भी बता दूं। अपन ने पढ़ा वर्ण विचार, यानी कि वर्ण क्या है ये पढ़ा अपन ने। वर्ण में अपन ने केवल माहेश्वर सूत्र को उठाया। आ रहा है समझ में? पूरा वर्ण विचार समाप्त नहीं हुआ अभी। वर्ण विचार में वर्णमाला, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला ही खत्म हुई है। अभी स्वर बाकी है, व्यंजन बाकी है, अयोगवा बाकी है। शुरू करें वर्ण विचार, अब शुरू कर रहे हैं ना। वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ी, यानी कि माहेश्वर सूत्र ही पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ी अपन ने। वर्ण विचार बोलिए। हाँ देखो, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मेन सूत्र है। ये अपन से कह रहा है कि सब में तो अ बोलो, लेकिन लण में जो ल है उसमें जो अ है उसको मत बोलो, क्योंकि अ की क्या हो गई? इत संज्ञा। इतना सा याद करना है। सब में अ बोलने लायक है, जबकि लण में अ बोलने लायक नहीं है, क्योंकि क्या हो गई उसकी? इत संज्ञा हो गई। एग्जाम में क्या पूछेंगे आपसे? इत संज्ञक वर्ण कुल कितने हैं? तो 15। लण में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? ण और अ। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, हमने वर्ण विचार में वर्ण माला पढ़ा है, वर्ण विचार पूरा बाकी है ना। शुरू करो। ये रहा आपका वर्ण, ये रहे आपके वर्ण के मुख्यतया दो भाग, एक का नाम स्वर, एक का नाम व्यंजन। स्वर को अपन ने कह दिया कौन? अच। व्यंजन को अपन ने कह दिया कौन? हल। तो वर्ण को अपन ने कह दिया कौन? अल। कंफर्म है? देखते जाओ क्या हो रहा है, फटाफट से देखते जाओ क्या हो रहा है। वर्ण, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर का अन्य नाम, व्यंजन का अन्य नाम, वर्ण का अन्य नाम। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलते जाओ। इसकी संख्या कितनी? 9। यानी कि कितना? ये आंकड़ा बहुत अच्छे से बनाती हूँ। फर्स्ट पेज पे ये कर दो। ये नहीं आती है, यदि ये काउंटिंग नहीं आती ना, तो 3 प्रश्न सरासर गलत होंगे। याद रख लेना, 3 प्रश्न सरासर गलत हो जाएंगे यदि ये काउंटिंग नहीं आ रही है। तो फ्रंट पेज पे लिखो, ताकि जितनी बार रजिस्टर खुलेगा उतनी बार दिखेगा बड़े बड़े अक्षरों में। आराम से लिखो। शुरू करें। चलिए फास्टली आ जाइए। स्वरों की संख्या कितनी थी? 9। हर दृष्टि से काम कर लो, क्या पूछ सकता है आखिर वो। स्वरों की संख्या कितनी थी? 9 या फिर 9, दोनों डिजिट लिख दिए, अब इसके अलावा तो क्या पूछेगा। व्यंजन की संख्या कितनी थी? 33। सारे ऑप्शन से आधे, एक ही ऑप्शन लिख देते हैं, बाकी आपने लिखा हुआ है 33, है ना। ये कितना है? 42। दैट मीन्स द्वि या फिर द्वा। चत्वारिंशत। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ा अपन ने अभी तक।
आया ना समझ में? ये पूरा पढ़ चुके हैं हम, अभी तक डिटेल पढ़ चुके हैं इसकी। स्वर क्या है ये पढ़ेंगे, व्यंजन क्या है ये पढ़ेंगे, अयोगवाह क्या है ये पढ़ेंगे, तब जाके अपना वर्ण विचार नाम का टॉपिक खत्म होगा, है ना। आपका जो सिलेबस में संज्ञा प्रकरण दे रखा है ना, चाहे सेकंड ग्रेड का सिलेबस उठा लो, सेकंड ग्रेड में संज्ञा प्रकरण के 7 सूत्र दे रखे हैं, 7 ओनली 7। मैं पढ़ाऊंगी आपको 21 सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, 21 सूत्र से मिलकर संज्ञा प्रकरण बनाए। वो केवल हमें 7 पढ़ा रहे हैं, 7 के मतलब हर एक के आगे पीछे का हमसे कह रहे मत पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा। आ रहा है समझ में? हम 21 पढ़ के जाएंगे, हम एक क्वेश्चन की भी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि हमने यहाँ पढ़ा हो और वहां नहीं हो। हर क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन का अपने रजिस्टर से मैच कर लेना। आ रहा है समझ में? स्टूडेंट पूछते मैम कोर्स कितने दिन में खत्म होगा, दिन तो मुझे भी नहीं पता। जहां एग्जामिनर 7 कह रहा है वहां मैं 21 पढ़ा रही हूँ, तो मुझे टाइम तो लगेगा ना, परफेक्शन भी आएगा, फिर परफेक्शन भी आएगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन मुझे पता है पास हो जाओगे बस। बढ़े आगे, ये कंटेंट पढ़ चुके, अब आ जाइए स्वर। टाइटल डालें, टाइटल डालें स्वर, क्या है स्वर? स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, बोर्ड पर ही आ जाओ। स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जो स्वयं राजा है वही स्वर है। राजा कोई है, यदि अपनी क्लास की मैं अपने लिए बोल रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि मैं यदि राजा हूँ, आ रहा है समझ में? अपनी क्लास की यदि मैं राजा हूँ तो मैं हर काम अपनी सूझबूझ से कर लूंगी, सही बात है। मैं हर काम क्या करूंगी, अपनी सूझबूझ से कर लूंगी ना, मुझे अन्य किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता, आ रहा है समझ में? मुझे कार्यों के लिए आवश्यकता है, लेकिन मुझे डिसीजन लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो राजन्ते इति स्वराहा, यानी जो राजा है वही कौन है, स्वर है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं है वही कौन है, स्वर। आ गया समझ में? जो स्वयं राजा है वही कौन है, स्वर। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो सब क्या कहलाते हैं, स्वर। हिंदी की परिभाषा हम लोग नहीं लिखेंगे, हम केवल किसकी बात करेंगे, संस्कृत की। हिंदी भुला दूंगी बच्चों आपको मैं, किसी कंटेंट की हिंदी फ्यूचर में हम लोग नहीं लिखने वाले, आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। स्वर टाइटल डाल दिया, परिभाषा लिख दो, स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जो स्वयं राजा है वही कौन है, स्वर। राजा को सलाह दे सकता है कोई भी, पर कोई राजा को परमिशन नहीं दे सकता है, सही है ना, सही बात है। तो राजा स्वयं राजन्ते, जो स्वयं राजा है वही कौन है, स्वर। हिंदी की परिभाषा कभी नहीं आएगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं है वही कौन है, स्वर। आ जाइए व्यंजन, रीट में ये टॉपिक कम से कम 4 क्वेश्चन के लिए है। आज का अपना दिन जो है ना, वो रीट के 4 क्वेश्चन बनाएगा और सेकंड ग्रेड के कम से कम 8 क्वेश्चन। आज का दिन है ना, संज्ञा प्रकरण की बात नहीं कर रही, सिर्फ आज का दिन की बात कर रही। व्यंजन की परिभाषा है अनवग भवन्ति इति व्यंजनम, अनवग भवन्ति इति व्यंजनम, हो जाएगा याद, बोल दीजिए एक बार, अनवक भवंती इति व्यंजनम। अब देखो अनवक भवंती का क्या मतलब है, देखो अनवक में कौन सी संधि, मैं आपसे पूछूं तो अनवक शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि। मेरा हर एक स्टूडेंट विद इन 1 सेकंड में आंसर देता है, मुझे बहुत खुशी होती है।
अनवक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे पता चला? समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यर लव, उसके आगे वाला अक्षर कैसा? आधा। एक भी उदाहरण हमने तो रटा ही नहीं था। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यर लव है क्या? उसके आगे वाला अक्षर आधा है क्या? संधि का नाम कौन? अब देखो इसका विग्रह करना हो बाई दिवे, है ना, संधि हमारा टॉपिक नहीं है आज का, पर फिर भी छोटे मोटे चमत्कार जो मुझे आते हैं वो बता देती हूँ। समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यर लव, उसके आगे वाला अक्षर आधा यानी संधि का नाम कौन? यण संधि। विग्रह करना हो, मैंने सिखाया है कुछ बच्चों को, फटाफट से बोल दो क्या विग्रह बनेगा? आगे वाला टुकड़ा क्या रहेगा? अनु रहेगा। क्यों? क्योंकि इको यणची सूत्रानुसार ई की जगह तो आया कौन? य। उ की जगह आया कौन? व। अब देखो व दिख रहा है, यानी व के बैकग्राउंड में क्या होगा? उ होगा। अभी अपन को व दिख रहा है, व के बैकग्राउंड में कौन होगा? उ होगा ना। तो पहले वाला टुकड़ा बन गया अपना कौन? अनु। ठीक है, तो ये अनु प्लस अग दिख रहा है अपन को, लेकिन वास्तव में है अक। अनवक शब्द का विग्रह क्या है? अनु प्लस अक। कंफर्म। क्या मतलब है इसका? देखो ये हमसे कह रहे हैं भवन्ति इति व्यंजनम, ये तो सरल है, होता है, उसी को व्यंजन कहते हैं। भवन्ति इति व्यंजनम का हिंदी अर्थ क्या है? होता है, उसी को व्यंजन कहते हैं। अब ये अनवक यानी क्या होता है? देखो क्या होता है, अनु यानी पीछे, सही बात है, अनुगमन, अनुसरण, अनुकरण। अनु यानी कौन? पीछे। अपन के ना मेरे अनुसार चलो, मेरे अनुसार। अनु यानी कौन? पीछे। ठीक है, अनुसरण, अनुकरण पढ़ा है आपने। अनुवाद, पहले कोई वाद होगा उसी का तो अनुवाद करेंगे। अनु यानी क्या? पीछे। कंफर्म है? अनु यानी पीछे। अक यानी कौन? अक क्या चीज है? बोर्ड पर आ जाओ। अ ई ऊण रील री का, तो ये अक स्वर में आया क्या? अपन तो कह रहे कि पूरा का पूरा स्वर कौन है? अच। सही बात है ना, पूरा का पूरा स्वर कौन है? अच। लेकिन अपन अक को लेते हैं तो अक भी तो स्वर ही है, तो अक अपना कौन है? स्वर। अनवग भवंती थी व्यंजनम में, अनवग क्या चीज है वो सिखा रही हूं। अनवग यानी अनु यानी पीछे, अक यानी स्वर, पीछे स्वर आएगा, जिसके पीछे स्वर आए वही व्यंजन है। बोर्ड पर आ जाओ। अपन ने एक कह दिया, छोटा सा शब्द लेती हूं मैं, जैसे म। म शब्द कैसे बना? म हलंत प्लस अ या अ और म हलंत? म कैसे बना? ए या बी? सारी क्लास कंफर्म है? मैं पूछ रही हूं म अक्षर कैसे बना, तो अपन कह रहे अनवग भवंती इति व्यंजनम, जिसके अनवग यानी पीछे स्वर हो, पीछे स्वर हो, वही कौन है? व्यंजन। यदि ऐसे लिख दिया तो ये तो बन जाएगा अम। समझ में आया क्या? पूरी क्लास को आया समझ में? पीछे स्वर है वही तभी बनेगा कौन? व्यंजन। पीछे यदि व्यंजन है तो वो तो बन जाएगा कौन? अम। यही तो है अनवग भवंती इति व्यंजनम, जिसके पीछे स्वर लगेगा वही कौन है? व्यंजन है। तो व्यंजनों में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र, व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र, अग्रे पश्चे मध्य सर्वे। आया कुछ समझ में? व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र, अग्रे पश्चे मध्य या सर्वे? क्या हो गया बच्चों? सर्वे कहां से आया आंसर? कहां? पश्चे, पीछे। कंफर्म है आंसर? लिख दीजिए। अच्छा, आप मॉडल टेस्ट पेपर लाने की जरूरत है क्या? नहीं ले आना, फिर भी अपन को अच्छा फील होता है, पैसे खर्च होते ना, इतनी किताब संस्कृत की, इतनी किताबें, मजा आ गया। एक भी अपनी ताक में संस्कृत की भीड़ मत भरना, 5 रजिस्टर बहुत है, उसके आगे दुनिया खत्म है बच्चों। ना मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, आपने संज्ञा माहेश्वर सूत्र पे इतने प्रश्न किसी पासबुक में हो तो मुझे दिखा देना, माहेश्वर सूत्र पे इतना कंटेंट कहीं हो तो मुझे दिखा देना, किसी टेस्ट सीरीज में हो तो भी ले आना, कल मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। आया समझ में? एक भी रुपया मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, याद रखना, एक भी रुपया ना मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना अपना माइंड कहीं डाइवर्ट करना है ना,
अपन क्या बात कर रहे थे, अन्वक भवन्ति इति व्यंजनम लिख चुके हैं, आगे बढ़ो। अनु यानी पीछे, अक यानी स्वर, अनु यानी पीछे, अक यानी स्वर, लिख दीजिए। जहां पीछे स्वर आता है वही व्यंजन है, जहां पीछे स्वर आता है वही व्यंजन है। पीछे ही तो आ रहा है स्वर, कंफर्म है। हम लोग छोटा छोटा कंटेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना आज, ये दूसरी क्लास की विषय वस्तु है। हिंदी में ऐसा अपन दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर कहाँ आता है, व्यंजन कहाँ आता है, ये दूसरी क्लास की विषय वस्तु है। शुरू करें, क्वेश्चन लिखें। व्यंजने स्वराणाम स्थिति कुत्र, व्यंजने स्वराणाम स्थिति ही कुत्र, व्यंजने स्वराणाम स्थिति ही कुत्र, व्यंजन में स्वरों की स्थिति कहाँ है। अग्रे पश्चे मध्ये सर्वे, पश्चे लिख दो, बड़े आगे। जिन बच्चों ने मुझसे अभी कुछ दिन पहले प्रत्यय पढ़ा था ना, वो अच्छे से बता दो स्थिति में कौन सा प्रत्यय है। स्थिति में कौन सा प्रत्यय है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, बस आ गया प्रत्यय छांटने, है ना। बड़े आगे, स्वर और व्यंजन की केवल डेफिनेशन लिखी है हमने, है ना। अब स्वर के कितने भेद हैं, टाइटल चेंज करें। स्वर के भेद, स्वर के भेद, बाई दिवे ऐसा प्रश्न आ जाए, स्वरह कति विधह, बाई दिवे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्वरह कति विधह या स्वराहा कति विधाहा, क्या ऑप्शन है, फटाफट से बोल दो जिसके मन में जो हो सब राइट है। तीन और कोई, स्वर तीन ही है, बोलो जिसके मन में जो हो वो बोलो। पांच, नौ, तेरा, तीन पांच नौ तेरा, स्वराहा कति विध का आंसर क्या है, तीन नौ पांच या तेरा, कितना, सारे सही है। आ रहा है समझ में, मैं होती तो मैं कहती सर्वे, सारे कंटेंट सही है, क्यों सही है देख लेते हैं, चलो आ जाओ, है ना। आपकी जितनी भी भ्रांतियां है ना बच्चों निकल जाएंगी यहां पर। अब यदि तीन कहा तो कौन है, पांच कहा तो कौन है, नौ कहा तो कौन है, तेरा कहा तो कौन है। नौ की बात कर ले, नौ स्वर कहाँ दिखे थे बता दो, कंफर्म है। माहेश्वर सूत्रे स्वराहा कति विधः, तो आंसर है कितना, नौ। अपने को यहाँ स्पेशलाइजेशन पूछा है क्या, मतलब अच्छे से बताती हूँ कि हमको स्वर कितने, कॉमन प्रश्न पूछा है। माहेश्वर सूत्र पूछा है क्या, ह्रस्व स्वर पूछा है क्या, दीर्घ स्वर पूछा है क्या, उच्चारण के आधार पर स्वर पूछा है क्या, मात्रा के आधार पर स्वर पूछा है क्या, कुछ भी स्पेशलाइजेशन हमसे पूछा ही नहीं है। और ऑप्शन होता सर्वाहा, तो अपना आंसर क्या होता, सर्वा। कुछ आया समझ में, स्वर कितने हैं का आंसर जितने बताओ उतने कम है। पांच भी सही है, नौ भी सही है, ग्यारह भी सही है, तेरह भी सही है, सारे सही है, हमको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं पूछा है ना। इस तरह का प्रश्न आए और तीन पांच सात सॉरी नौ और तेरह, तो सर्वा कर देना। एक बार लिखो क्वेश्चन, स्वरह कति विधः, सारे कंटेंट लिख दो, तीन पांच नौ तेरह सर्वाहा, तो आंसर है सर्वाहा।
तीन पांच नौ तेरह सभी सही है। बोर्ड पर आ जाओ, हर एक को सिद्ध करेंगे। तीन कैसे सही है, पांच कैसे सही है, नौ कैसे सही है और तेरह कैसे सही है, सारे कंटेंट सिद्ध करके बता रही हूं, है ना। बोर्ड पर आ जाओ बिना लिखे। अब लिखना मत, है ना, अब जब मैं समझाऊं तो लिखना मत। बढ़े आगे। नो कब कहेंगे, देखो अपन कंटेंट को यही रहने देते हैं, वापस लिख देते हैं ना, ताकि अपन हर एक कंटेंट को सिद्ध कर सके। स्वराहा, स्वर कितने हैं, तीन हैं, पांच हैं, नौ हैं और 13 हैं, सारे को सिद्ध करना है। नो की बात करें सबसे पहले, यदि आपसे पूछे माहेश्वर सूत्रे स्वराहा कति विधः, माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं, तब आपका सही आंसर होगा कौन, नौ के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है क्या? कंफ्यूजिंग मैटर है क्या ये? अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, है ना, संख्या भी लिख सकते हैं, कौन कौन, अ ई उ रिल री ए ओ और ऐ औ, यही तो है। नो कंफर्म, लिखना नहीं है बच्चों, देखना और आराम से याद करना। पांच को सॉल्व करते हैं, नो को सॉल्व कर दिया ना, पांच को सॉल्व करते हैं। यदि पूछे आपसे ह्रस्व स्वराहा, या आपसे पूछे कौन मूल स्वराहा कति, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने हैं, तो आपका आंसर कौन, पांच। कौन कौन से हैं, अ ई उ री री, अ ई उ री री, क्लियर। अब बात करते हैं तीन की। यदि आपसे पूछें उच्चारणाधारित, उच्चारणाधारित स्वराहा, उच्चारणाधारित स्वराहा कति, उच्चारण पर आधारित स्वर कितने हैं, तीन, कैसे पता चला? अभी तो ठीक है, लिख दिया हमने उच्चारण पर आधारित स्वर कितने हैं, तीन। यदि मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी काम में आपको दूं, वो काम आप केवल तीन तरीके से कर पाओगे, या तो उस काम को बहुत अच्छा करोगे, या फिर उस काम को बिगाड़ के धूल कर दोगे, सही है ना, बिल्कुल खराब कर दोगे, या आप उस काम को ठीक ठाक करोगे। सही बात है, किसी भी काम को आप कितनी तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत बिगड़ा हुआ और ठीक ठाक। अब मैं बोल रही हूँ किसी अक्षर को बोलना है आपको, किसी अक्षर को बोलना है तो आप क्या करोगे, या तो बहुत तेज बोलोगे क, या फिर क्या करोगे, बिल्कुल साइलेंटली बोलोगे क, जैसे आप करते हो जनरली, यू आर डूइंग लाइक दैट, करते हो ना। कोई प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप आंसर देते हो और दे भी देते हो और मुझे सुनाई भी नहीं देता है, आपका काम पूरा हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। आ रहा है समझ में? तो कई बार जैसे किसी अक्षर को अपन बहुत जोर से बोलते हैं, जैसे कि क, तो ये हो गया आपका उदात्त यानी जोर से बोलना। कई बार किसी अक्षर को बहुत धीरा सा बोलते हैं, जैसे क, उसको कहेंगे कौन, अनुदात्त। कई बार किसी अक्षर को बहुत प्रॉपर बोलेंगे, जैसे कि क। आ रहा है समझ में? तो किसी उच्चारण यानी बोलना, सही है, उच्चारण यानी क्या, बोलना। अच्छे से सीरियसली लेना बच्चों, बहुत इजी टॉपिक नहीं है ये, उच्चारण यानी क्या, बोलना। कई बार क्वेश्चन आता है उच्चारण आधारित स्वराहा कतिविध, तो अपना आंसर हो जाता है कौन, त्रिविध। कई बार ये आता है उच्चारण आधारित स्वरह कह न, कौन सा एक नहीं है, तो कौन से तीन है वो याद करना पड़ेगा, कौन से तीन है। किसी अक्षर को जोर से बोला उसको कहेंगे कौन, किसी अक्षर को बिल्कुल धीरे से बोला, किसी अक्षर को बराबर बोला, तीन ही तो वे हो सकते थे, चौथा वे हो पाएगा क्या? बहुत जोर से चिल्लाएंगे, बहुत धीरे से बोलेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे, उच्चारण यानी बोलना। कई बार देखो आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूंगा, रट लूंगा, उदात्त अनुदात स्वरित उच्चारण के आधार पर है। एग्जाम में प्रश्न आएगा उच्चारण आधारित स्वर कह न, कौन
कौन सा एक नहीं है, तीन है, याद कर लोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। उदात्त प्रश्न ऐसा आएगा, उदात्त इति कीदृश स्वरः, उच्चारण ये किस आधार पर विभाजन किया गया है, उच्चारण के आधार पर। उदात्त ये जो नाम है ये किस आधार पर विभाजन हुआ है। उदात्त में जोर से बोलते हैं, जोर से बोलने को ही क्या कहेंगे, उच्चारण। हर तरह से तैयार रहो, किसी भी अक्षर को कितनी तरीके से बोल सकेंगे, तीन तरीके से। जोर से बोलना क्या है उदात्त, बिल्कुल धीरे से बोलना क्या है, बराबर बोलना क्या है। तो तीन भी अपना सही हुआ। फिर तीन को और सॉल्व करते हैं अपन, है ना। यदि अपन बोले कि यदि अपन कहें कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, तो अपन कहेंगे एक मात्रिक, है ना। क्या कहेंगे, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो तीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो तीन सॉल्व हो गया, पांच सॉल्व हो गया, नौ सॉल्व हो गया, 13 सॉल्व करना है। यदि आपसे पूछे कुल स्वराहा कति, कुल स्वराहा कति, कुल स्वर कितने हैं, है ना। इससे पहले एक और ऑप्शन है मेरे पास, आठ। एक और ऑप्शन यहां अपन लिख देते हैं, आठ भी अपने पास ऑप्शन में हो। तो देखो ह्रस्व स्वर तो थे अपने कितने, पांच। यदि अपन से पूछे दीर्घ स्वराहा कति, दीर्घ स्वर कितने हैं, तो आठ। ह्रस्व कितने हैं, दीर्घ कितने हैं, आठ और पांच कितने हैं, तो कुल स्वराहा कति तो कितने ऑप्शन सही थे। देखो तीन सही था, पांच भी सही था, आठ भी सही था, नौ भी सही था और 13 भी सही था। ये हुआ अब सर्वे। सर्वे वाले उस कंटेंट में आठ भी लिख दो, स्वरह कति विधा में आठ भी लिख दो। आठ को संस्कृत में ऐसा लिखेंगे, है ना, ऐसा। आया समझ में, शुरू से बात करें। अब स्वर कितने प्रकार के हैं, मैं सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपसे स्पेशलाइजेशन पूछेंगे। ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो सभी बोलो प्लीज, कॉपियां छोड़ दो। ह्रस्व स्वर कितने हैं, पांच। दीर्घ स्वर कितने हैं, दोनों मिलाकर स्वर कितने हैं, माहेश्वर सूत्र में स्वर, माहेश्वर सूत्र में। उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर। एग्जामिनर आपसे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन ही पूछेगा। ये तो मेरा अपना लुकआउट था कि मैंने सारे एक साथ लिखवा दिए कि बाय द वे ऐसा आ गया, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सर्वा कंफर्म। अब एक एक के बारे में बात करें, चलिए लिखना था, अब लिखेंगे, है ना। ये तो है अपना प्रश्न और अब आएंगे आंसर। ह्रस्व स्वराहा या मूल स्वराहा, क्लियर ना, क्वेश्चन लिखते जाओ, याद तो कर लिया है। ह्रस्व स्वराहा या मूल स्वराहा, क्वेश्चन मार्क। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने हैं, आपका आंसर कितना है, पांच। संस्कृत में ही लिखना, पांच छह जितनी डिजिट है ना, उनको संस्कृत में लिखना ताकि हैबिट बने। इंग्लिश में तो, सॉरी, स्कूल में तो इंग्लिश मीडियम है, घर पे आके मेवाड़ी बोल रहे हैं, फिर कह रहे इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, सही है ना। ज्यादा एटमॉस्फेयर जिस चीज का होगा ना, वही इंप्रूव हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। स्कूल कितने घंटे जाते हो, छुट्टियां कितनी पड़ती है, घर पे कितने घंटे रहते हो, सही है ना। इसीलिए संस्कृत के साथ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो संस्कृत इंप्रूव हो जाएगी। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने हैं, पांच। कौन कौन से, अ, ई, उ, री और लुई। निम्नांकित में से कौन सा एक मूल स्वर नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को,
निम्नांकित में से कौन सा एक ह्रस्व स्वर या मूल स्वर नहीं है, ऐसा भी प्रश्न आएगा। तो कौन सा नहीं, कौन से है याद कर दोगे तो नेगेटिव आंसर तो दे पाओगे। चलिए बढ़ो आगे। दीर्घ स्वराहा कतिविधा, दीर्घ स्वर कितने हैं? अष्ट। कौन कौन से, बोर्ड पर आ जाओ। ह्रस्व स्वर कितने हैं तो पांच, दीर्घ स्वर कितने हैं तो आठ। कौन से आठ होंगे, जो ह्रस्व नहीं है वो सारे दीर्घ हैं, सही है ना? सभी बोलना प्लीज, पास तो सबको ही होना है ना, या फिर ऐसे ही आए हो? पीछे वाली लाइन से बात करो, पीछे पीछे वाली लाइन से। सारे जो न्यू कमर्स दिख रहे हैं मुझे एक साथ, उनसे बात कर रही हूँ। आप लोग बोलना है ना, शुरू करें। जो ह्रस्व नहीं है वो सारे कौन है, दीर्घ हैं। तो चलिए कौन कौन से यहाँ नहीं आए, शुरू हो जाओ। आ, फिर बड़ा उ, फिर बड़ा लुरी कभी नहीं होता, याद रखना। प्रश्न आएगा कौन से ह्रस्व का दीर्घ रूप नहीं बनता। अ का आ बना, छोटी ई का बड़ी ई बना, छोटे ऊ का बड़ा ऊ बना, छोटे लुरी का बड़ा लुरी नहीं बनेगा। कौन से ह्रस्व वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता, कॉपी का चौक पे लिखो। कौन से ह्रस्व वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता, कौन से ह्रस्व वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता। कौन से ह्रस्व वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता, ह्रस्व वर्ण का या ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप नहीं बनता, किसका नहीं बनता है, लुरी का। ठीक है, बोर्ड पर आ जाओ फटाफट से। किस ह्रस्व स्वर या ह्रस्व वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता, तो किसका, लुरी का। शुरू करें, अ का आ, छोटी ई का बड़ी ई, छोटे ऊ का बड़ा ऊ, री का बड़ा री। देखो एक जॉइंट है यहाँ पर, दो जॉइंट है, अब आ गए कौन, ए आई ओ औ। ये चारों तो अपने कौन थे, सबको पढ़ाया ना मैंने तो आज। ये चारों कौन है अपने, संधि स्वर है, कंफर्म। ये चारों संधि स्वर है। देखो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये ए ह्रस्व है, ऐसा हो जाता है कई बार, मुझसे भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता है। ये ए कौन है, ह्रस्व, क्योंकि इसका बड़ा रूप कौन है, आई, तो ये ए ह्रस्व में चला जाएगा कई बार अपना। पर आपको याद रखना है ह्रस्व तो कौन है, अ ई उ री री। ह्रस्व स्वरे का मात्रा, ह्रस्व स्वरस्य का मात्रा, यदि क्वेश्चन ऐसा है ह्रस्व स्वरस्य का मात्रा, एक मात्रा नहीं कहेंगे, एक मात्रिक, ह्रस्व स्वरस्य का मात्रा कहे ना, तो ये हो जाएगा लघु मात्रा, लघु। वापस आ रहे हैं बोर्ड पर, बोर्ड पर ही रहो। ह्रस्व जो अपना स्वर है उसके अन्य नाम क्या हैं? ह्रस्व स्वरस्य अपर नाम किम, अपर नाम किम पहले इसीलिए सिखाया था क्योंकि आप क्वेश्चन का नेचर पहचान सको। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है, बोर्ड पर आ जाओ, लिखना नहीं है पढ़ाते समय, है ना। ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है, एक मात्रिक भी है और लघु मात्रिक भी है। ह्रस्व को ही तो लघु कहते हैं, ह्रस्व को क्या कहते हैं, लघु। ह्रस्व को क्या कहते हैं, एक मात्रिक। यदि छंदों की बात करें तो इन पर कौन सी मात्रा आएगी, लघु मात्रा। छंद की बात करें तो इसका साइन क्या है, ये आई, सही है ना। ये रहा लघु और ये रहा गुरु, सही बात है ना। तो अपन इसकी तो बात कर रहे हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की, इसके अन्य नाम है एक मात्रिक या फिर लघु मात्रिक। इस पर कौन सी मात्रा आएगी, तो लघु मात्रा, ये वाली मात्रा, कन्फर्म लिख दीजिए।
ह्रस्व स्वरस्य अपर नाम किम्? ह्रस्व स्वरस्य अपर नाम किम्? ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? एकमात्रिक या लघु मात्रिक? इसको एकमात्रिक भी कह सकते हो और लघु मात्रिक भी कह सकते हो। फिर लिखें छंद गणना करते समय, हिंदी लिखें इसी प्रश्न में, छंद गणना करते समय इस पर, छंद गणना करते समय इस पर लघु मात्रा लगाई जाती है। छंद गणना करते समय इस पर लघु मात्रा लगाई जाती है। छंद गणना करते समय इस पर लघु मात्रा लगाई जाती है। लघु मात्रा का साइन पता है ना? अपना इंग्लिश का आई, कंफर्म इंग्लिश का आई। नेक्स्ट आ जाइए, दीर्घ स्वरा कतिविध लिख दिया था, फिर लिखें दीर्घ स्वरा लिख दिया था ना, क्वेश्चन लिखें छंद गणनायाम, छंद गणनायाम दीर्घ स्वरे का मात्रा, छंद गणनायाम दीर्घ स्वरे का मात्रा, छंद गणना में दीर्घ स्वर की कौन सी मात्रा होती है? छंद गणनायाम दीर्घ स्वरे का मात्रा, छंद गणना में दीर्घ स्वर पर कौन सी मात्रा आएगी? ऑप्शन लिखें एस, और एस को कहते हैं कौन सी मात्रा? गुरु मात्रा। उत्तर लिख दीजिए एस, इंग्लिश का एस, और एस को कहते हैं कौन सी मात्रा? गुरु। गुरु का मतलब ही तो दीर्घ या बड़ा है ना, गुरु का मतलब ही क्या है? दीर्घ या बड़ा। एक और क्वेश्चन लिखें दीर्घ स्वरस्य अपर नाम किम्? दीर्घ स्वरस्य अपर नाम किम्? दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? द्विमात्रिक, इसी को गुरु मात्रिक भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक या फिर गुरु मात्रिक, कंफर्म। यदि आपसे पूछे मात्रा कति विधः, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। मात्रा कति विधः, नाम एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, कंफर्म है? ये हम लोग सूत्रों में पढ़ेंगे, अभी इतना ही बहुत है। देखो हमने ह्रस्व स्वर पढ़ लिया है, दीर्घ स्वर पढ़ लिया है, तीसरा कंटेंट आ जाओ। ऐसा आएगा स्वराहा कतिविध, मतलब कुल स्वर की बात कर रहे हैं। ह्रस्व भी नहीं आएगा, दीर्घ भी नहीं आएगा, स्वराहा कतिविध आ गया, यानी कुल स्वरों की बात हो रही है। आ रहा है समझ में? ह्रस्व भी नहीं आए, दीर्घ भी नहीं आए, और माहेश्वर सूत्र भी तो नहीं आ रहा है, उच्चारण स्थल भी तो नहीं आ रहा है, मात्रा भी तो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कितने स्वरों की बात हो रही है? कुल स्वरों की। स्वराहा कतिविध, तो आपका आंसर कितना है? 13, यानी ब्रैकेट में लिख दें ह्रस्व प्लस दीर्घ। स्वराह कतिविध का आंसर क्या है? 13, यानी कि कौन? ह्रस्व प्लस दीर्घ, यानी 13। उच्चारण आधारित स्वराहा, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं?
उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं उच्चारण के आधार पर? तीन। हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त यानी जोर से बोलना, हिंदी में बात करें तो। उदात्त यानी अनुदात्त यानी आप क्यों धीरे बोल रहे हो? पर आप भी अनुदात्त में बोल रहे हो क्या? उदात्त यानी जोर से बोलना, अनुदात्त यानी स्वरित यानी बराबर बोलना। क्लियर? तो अब ये हिंदी में तो बातें नहीं करेंगे, मीडियम वीडियम जो भी बोल रहे हो आप। उदात्त को बोलेंगे उच्चई, उदात्त। उच्चई यानी जोर से बोलना क्या कहलाएगा? उदात्त। अनुदात्त किसको कहेंगे? नीचे है, नीच, धीरे से बोलना, नीचा बोलना। नीचे है अनुदात्त, धीरे बोलना कौन है? अनुदात्त है। समाहार स्वरित, बराबर बोलना स्वरित है। आ रहा है समझ में? उच्च ही उदात्त, नीचे ही अनुदात्त, समाहार स्वरित। हिंदी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जोर से बोलना उदात्त कहलाता है, ये केवल कॉपियां भरने का काम है। ना तो एग्जाम में आएगा, ना आपको समझना है, ना आपको याद करना। आपको यही समझना है और एग्जाम में भी यही आएगा। शुरू करें उदात्त से का परिभाषा। सबको बोलना है बच्चों, जो नहीं बोलेगा उसको संस्कृत की कसम है वो फेल हो जाएगा। उदात्त, अनुदात्त, समाह, स्वरित, कंफर्म है। जोर से बोलना उदात्त कहलाता है, बिल्कुल धीरे से बोलना अनुदात्त कहलाता है, इक्वल बोलना कहलाता है कौन? उच्चारण आधारित स्वराह कतिविध, त्रिविध। ठीक, क्या बढ़े आगे? लिख चुके हैं ना? मात्रा आधारित स्वराहा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? मात्रा के आधार पर स्वराहा कतिविधा, तो त्रिविध, तीन प्रकार का है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। कंफर्म? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो तीन हैं। कौन कौन से? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। कंफर्म? प्रश्न पूछे। एक मात्रिकस्य अपर नाम किम? एक मात्रिक का अन्य नाम क्या है? द्विमात्रिक का, त्रिमात्रिक का। ठीक है, एक मात्रिक को क्या कहते हैं? ह्रस्व। द्विमात्रिक को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक को क्या कहते हैं? प्लूत। जैसा मैं लिख रही वैसा ही लिखो, है ना? एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को क्या कहते हैं? प्लूत कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, ये हो गई छोटे उ की मात्रा, ये हो गई बड़े उ की मात्रा, और ये हो गई आपके छोटे उ के साथ तीन, यानी तीन बार छोटा उ बोलो। बोर्ड पर आ जाइए। छोटा उ ह्रस्व यानी छोटा उ,
दीर्घ यानी बड़ा उ और छोटे उ को यदि 3 बार बोला जाए, इतना समय यदि कहीं इन्वेस्ट होता है उसको कहते हैं क्या? त्रिमात्रिक। क्लियर? लिख चुके? लिख दीजिए फटाफट से। लिख चुके ना? यदि आपसे पूछा जाए, श्लोक है पूरा का पूरा, एकमात्रो भवेद हृस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र स्तु प्लुतो गेयो। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, व्यंजनस्य का मात्रा, व्यंजनस्य का मात्रा, व्यंजन की कौन सी मात्रा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यंजन वर्णस्य का मात्रा, व्यंजन का मात्रिक, व्यंजन की कौन सी मात्रा होती है? तो व्यंजनस्य अर्धमात्रिक। पूरा श्लोक सुनना फिर से। एक मात्रो भवेद हृस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनस्य अर्धमात्रिकम्। आ रहा है समझ में? व्यंजन वर्ण से का मात्रा, तो आंसर हो गया कौन? अर्ध मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, कंफर्म? वर्ण विचार में केवल हमारा स्वर वाला भाग ही समाप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। मुझे तो लगता है क्लास 6 घंटे की होनी चाहिए, है ना? अब देखो कंटेंट अपना केवल स्वर ही बड़ी मुश्किल से समाप्त हो पाया, स्वर भी अभी थोड़ा सा रिकॉल बाकी है मेरी तरफ से। कल इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि वर्ण विचार भाग 2, ठीक है ना? इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 5 दिन तक बिल्कुल निशुल्क क्लास है ये, YouTube पर भी ये क्लास इसी तरह से रिकॉर्ड होकर जा रही है ना? लाइव देख रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट यहाँ नहीं पहुंच पाया उस तक अभी लिंक शेयर करना आप, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।